वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे करते हैं, तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं ध्यान रखिए आई होप यू आर डूइंग वेल मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ उम्मीद करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी रिविजन बहुत अच्छे से हो रहा होगा वीडियो का आप लोग पूरा बेनिफिट उठा रहे होंगे उसी सीरीज में हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पीई टी के लिए साइंस का पापा वीडियो पार्ट टू है ये इसमें हम केमिस्ट्री देखेंगे केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सब कुछ एक जगह पे इससे बाहर आपके पेपर में सवाल नहीं आएगा अगर आप ये वीडियोस को बहुत अच्छे से देखते हैं और एक बार बस रिवाइज कर लेते हैं और इस वक्त तो बस एक बार देख के जाना भी आप लोगों के लिए मोर देन सफिशियंट होगा क्योंकि आपका रिवीजन बहुत इफेक्टिवली इससे हो जाएगा जो लोग भी हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है आप लोग कॉमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मैम पीडीएफ कहां मिलेगा देखिए पीडीएफ पेड कोर्सेज में मिलेगा उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आर ओ एपीएस टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की जो नई वैकेंसीज हैं आपका यूपीपीसी ट्वेंटी फोर के लिए जो हमारे नए बैचेस चल रहे हैं वो सब स्टार्ट होने वाले हैं तो आप लोग डेफिनेटली उनको ज्वाइन कर सकते हैं उतना कराया जाएगा जितना आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है तो फिलहाल के लिए इंग्लिश मीडियम का केमिस्ट्री साइंस पापा वीडियो का पार्ट टू है ये शुरू कर रहे हैं तो स्टार्ट कर रहे हैं हमारा केमिस्ट्री का वीडियो सल्यूशन और उनके टाइप्स दिए हुए हैं और एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी से एक्पल्स में से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं जैसे लिक्विड का लिक्विड में सल्यूशन एल्कोहल का सोल्यूशन वाटर में ब्रोमीन का कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फ्यूरिक एसिड का वाटर में तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं लिक्विड का लिक्विड में सल्यूशन के अच्छा शुगर वाटर आयोडीन का कार्बन टेट्राक्लोराइड में लेड सल्यूशन का मरकरी में जेली स्टार्च प्रोटीन सोल ये सब किसके हैं देखिए सॉलिड इन लिक्विड के हैं गैस एंड लिक्विड के हाइड्रोजन सोल्यूशन इन पैलेडियम मेटल है कैम्फर सोल्यूशन है कपूर का घोल समझिए आप एक तरीके से लिक्विड एंड सॉलिड के हैं मर्करी सल्यूशन इन थैलियम वाटर सोलूशन इन शुगर और सॉल्ट सॉलिड इनटू सॉलिड जिंक और कॉपर ये तो एलॉयज जो होते हैं इनका समझिए आप मिक्सचर ऐसा नहीं है कि कॉपर के टुकड़े और जिंक के टुकड़े इकट्ठा रखे हुए हैं नहीं एलॉयज बेसिकली सोल्यूशन ऑफ गैस एंड गैस मिक्सचर तो है ही एटमोस्फियर इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लिक्विड एंड गैस ब्रोमीन, कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया, ये सारी चीजें सल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड गैस आयोडीन सल्यूशन एयर स्मोक सल्यूशन ऑफ गैस एंड लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर में है हाइड्रोजन क्लोराइड का है बेंजीन में तो ये एक बारी टेबल देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट है कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनके एलोट्रोप्स कार्बन के कौन कौन से हैं? डायमंड है ग्रेफाइट है वुड है चाकुल है बोन चाकुल है ब्लड चाकुल है ये सारे कार्बन के हैं। फॉस्फोरस के व्हाइट और येलो फॉस्फोरस है रेड फॉस्फोरस है ब्लैक वाइलेट फॉस्फोरस है ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन ओजोन सल्फर का रॉम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर अमॉर्फस प्लास्टिक सल्फर तो इन नाम याद रखना अभी कुछ कंपेरिजन दिए हुए हैं कि एलिमेंट्स आप लिविंग और नॉन लिविंग सबस्टांसेज में कौन से मिलते हैं देखिए अर्थ के क्रस्ट में परसेंटेज वाइज हाइड्रोजन पॉइंट जीरो वन एक बार आप बस कंपेरेटिव स्टडी के लिए देख लीजिए ठीक है आपको ऑक्सीजन देखना है देखिए अर्थ के क्रस्ट में भी ज्यादा है और ह्यूमन बॉडी में भी परसेंटेज वाइज एकदम ज्यादा है ठीक है कुछ इन्फॉर्मेशन एलिमेंट्स uh, से रिलेटेड पीरियोडिक ग्रुप विद द मोस्ट गैसियस एलिमेंट्स जीरो ग्रुप लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है हाइड्रोजन है एलिमेंट्स विद अटोमोसिटी इक्वल टू वन इनर्ट गैसेस हैविएस्ट एलिमेंट ऑस्मियम है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजन है लाइटेस्ट मेटल एलिमेंट लिथियम है एलिमेंट जो कि केरोसिन में रखा जाता है आप जानते हैं सोडियम मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर मर्करी मेन एलिमेंट इन्वाल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ कैल्शियम नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर ब्रोमीन एलिमेंट विद हाइस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन बेस्ट कंडक्टर एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है फ्लोरीन नॉन मेटल जो कि कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का ग्रेफाइट मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजर फ्लोरीन मोस्ट मिलिएबल एलिमेंट गोल्ड है टोटल नॉन एलिमेंट्स कितने एक सौ अठारह है नॉन रिएक्टिव कौन सा है नॉन मेटल मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल सॉरी फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव मेटल एलिमेंट सीजियम है टोटल एलिमेंट्स जो कि नेचर से अपटेनेबल हैं 98 आर्टिफिशियली मेड बीस हैं तभी तो हो गए ना एक और मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन है अर्थ पे uh, और मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है एल्यूमिनियम है है ना एलिमेंट में दोनों आ गए दोनों में से कौन सा और अगर अलग से पूछेगा तो अलग से है एलिमेंट विद हाइएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल हीलियम है एलिमेंट विद मिनिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल सीजियम है ठीक आप कुछ मिनरल्स दिए हुए हैं उनके ओर्स दिए हुए हैं जिनसे वो मिनरल्स निकलते हैं वैसे नहीं मिनरल मिलता है रॉक सॉल्ट आपको एने नॉर्मली नहीं मिलता उसका मिनरल ओर होता है उसमें से मेटल जो है उसको सॉरी मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है देखो ए एने ए के कौन कौन से हैं रॉक सॉल्ट ट्रोना चिले सॉल्ट सोल्ट शोरा कहते हैं जिसको बोरेक्स ग्लोबेराइट क्रायोलाइट कॉपर के देख लो चाल चालकोपेराइट चालकोसाइट क्यूबराइट मेलाचाइट एजोराइट नाम याद रखना एल्यूमिनियम के बॉक्साइट तो फेमस है क्रायोलाइट है कोरंडम है डायस्पोर है मैग्नीशियम का पायरोसाइट है है ना फिर इसका पोटेशियम का देख लो कार्नेलाइट, कार्नेलाइटनाइट सिल्वर का नेटिव सिल्वर आर्जेंटाइट केरागराइट कैसेटराइट है आपका टिन का, और मैंगनीज का मैंगनाइट हॉस्मेनाइट फिर आपका हाँ मैग्नीशियम का यहाँ पे भी दिया हुआ है मैग्नेसाइट है है ना और जिंक ये और दिए हैं यहाँ पे डोलोमाइट है कार्नेलाइट है केसेराइट एपसम सॉल्ट है एपसोमनाइट है आप जानते हैं आयरन का मैग्नेटाइट बहुत फेमस है से आयरन लेड का मैट जिंक का जिंक जिंक ब्लेंड है फ्रैंकलिनाइट है है जिंक साइट है कैलामाइन जिंकसाइट कैल्शियम का आपका लाइमस्टोन है कैल्साइट है जिप्सम है फ्लोरोस्पार है फॉस्फोराइट है और मकरी का आपका सिनेबार है तो इस हिसाब से आपने ये देख लिया है अब कुछ एलॉयज होते हैं जैसे एल्युमिनियम है इसमें देखो कॉपर कितना है एल्युमिनियम कितना है एल्युमिनियम ब्रॉन्ज है नाम यूज कितना है मैग्नीलियम है जैसे तो एक बार इसका परसेंटेज हल्का सा देख सकते हो आप एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है निकिलोय है स्पेलिंग गलत है है कोई बात नहीं ड्यूरोल्यूमिन तो ये एक बार सारे आप देख सकते हो यहाँ पे और भी है देख रहा तो इनका आपको कॉम्पोजिशन देखना होगा इसमें से मैं सबसे इंपॉर्टेंट वाले आपको मार्क करा दे रही हूँ बाकी आप एक बार ही पढ़ लेना ब्रास है जैसे इंपॉर्टेंट है ठीक है ब्रॉन्ज इंपॉर्टेंट है यूज तो बता ही दोगे कोई दिक्कत नहीं है गन मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका है ना और देखो कॉपर टिन और फॉस्फोरस uh, है इसमें करेंसी मेटल में बेल मेटल होता है कॉन्स्टेंट टैम होता है एक बार पढ़ लो इन सबको ठीक है मुंज मेटल सुना होगा आपने बहुत फेमस है कॉइन्स बनते हैं टाइप वुड मेटल ये इंपॉर्टेंट है आपका जर्मन सिल्वर में देखो सिल्वर नहीं होता खासियत ये इसकी यूटेंसिल्स और स्कल्पचर्स इसमें सिल्वर नहीं होता ठीक है बल्कि इसकी ज्वेलरी भी बनती है फिर आपका डच मेटल हो गया मैग्नीलियम हो गया ड्यूरोल्यूमिन हो गया एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज तो हो चुका नाइक्रोम देख लो एक बार पूरा नहीं पूछेगा कोई कॉम्बेन शोल्डर देख लो क्या होता है एलनिको हो गया तो एक बार आप इसको टंगस्टन, निकल स्टील देखो ये क्रोमियम स्टील स्टेनलेस स्टील इम्पोर्टेंट ठीक है चलो अब कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं जैसे विनेगर आप जानते हैं नेचुरल सोर्स विनेगर का

मोस्टली क्वेश्चन आएगा कॉमन नेम से वो मैं आपको कराऊंगी अभी हमारे पास पूरा टेबल मिल जाएगा आपको उसका कोई दिक्कत नहीं है जैसे कुछ कॉमन सोल्ट और उनके यूजेस दिए हुए हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट क्या होता है ये ब्लीचिंग पाउडर है आप जानते हैं एल्कोलीन होता है नेचर में कूल ड्राई प्लेसेस में रखा जाता है क्लीनिंग में यूज होता है स्विमिंग पूल की डिसइंफेक्टेंट है ड्रिंकिंग वाटर के लिए पेपर के लिए ब्लीचिंग एजेंट है और क्लोरोफॉम बना बनता है इससे सी एच सी एल थ्री और अनश्रिंकेबल वूल भी बनता है ठीक है फिर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या होता है ये प्लास्टर ऑफ पैरिस ये नाम याद रखने है आपको ठीक है आप जानते हैं कहाँ यूज होता है इसको देख लीजिए एक बार कुछ वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना ही आपका गलत होगा है ना क्योंकि टाइम ऑलरेडी वे रनिंग आउट ऑफ टाइम तो हमें कंप्लीट करनी है चीजें जल्दी पोटेशियम नाइट्रेट है क्या एन थ्री जैसे सलाइन सॉल्ट है अल्कलीन नेचर का सोडियम क्लोराइड आप जानते हैं द हम्बल सॉल्ट और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है कॉस्टिक सोडा बस ये ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है सोडियम कार्बोनेट क्या होता है ये वॉशिंग सोडा होता है ठीक है वाइट सॉलिड आयनिक कंपाउंड है ट uh, in है बेकिंग सोडा तो ये तो आप जानते ही है फायर एक्सटिंग है लीवनिंग एजेंट है फूड वगैरह सब केक्स वगैरह इससे तो बनते हैं पीएच दिया हुआ है कुछ कॉमन सबस्टिस का कई बार क्वेश्चन आता है इस पे तो हम देख सकते हैं देखो किस पे आएगा मैं बताती हूँ आपको मिल्क ऑफ मैग्नीश का पता ह्यूमन ब्लड पूछेगा क्या है मिल्क का पता होना चाहिए ह्यूमन सलाइवा का पता होना चाहिए ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी आप देख सकते हैं एक बार सोर्सेज ऑफ सम नेचुरल एसिड्स देखो विनेगर हम जानते हैं एसिटिक एसिड कहां से मिल रहा है हमें विनेगर से फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग बी स्टिंग सिट्रिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड जिसे कहते हैं गूसबेरी आंवला होता है ये लेमन ऑरेंज और बाकी सारे खट्टे फल जो होते हैं लैक्टिक एसिड कर्ड से ऑक्सालिक एसिड आपका टमेटो स्पिनच टाटेरिक एसिड ग्रेप्स टैमरिन सिट्रस बनानास अनराइप मैंगो मेलिक एसिड एप्पल पेयर्स बेंजोइक एसिड ग्रास लीव्स यूरिन और टैनिक एसिड यूरिन पूछेगा जरूर ठीक है टैनिक एसिड चाय में होता है ना पिया करो ग्रुटामिक <laughs> एसिड वीट में होता है गेहूं में

पिंक कलर देखो बेस के नाम दिए हुए ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलेगा आपको लाइम वाटर अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्लीनिंग एजेंट स्पेशल फॉर ग्लास विंडो सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैगनीजिया एसिड और एल्कोली बेस हैं सिट्रस होते हैं ये आप जानते हैं ये कंपैरिजन है ये आपके खट्टे होते हैं ये आपके कड़वे होते हैं ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं रेड को ब्लू कर देते हैं एग्जांपल्स तो हम देख ही चुके हैं सारे ठीक है ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं अब यहाँ पे ये देख लीजिए एक बार सी सिक्स एच फाइव एनओ टू नाइट्रोबेनजीन होता है ये लाइट येलो कलर का ऑयल होता है और बादाम जैसी इसकी महक होती है बल्कि कड़वे बादाम जैसी होती है ठीक है और एनलिन के प्रोडक्शन में एक्सप्लोजिव बनता है ट्राई नाइट्रोबेनजीन टी एन बी और बहुत सारी पॉलिशे डाइज और सोप्स के प्रोडक्शन में यूज होता है सी एच टू सी एल टू डाइक्लोरोन कलरलेस वोलेटाइल स्वीट स्मेलिंग लिक्विड है ये इनसॉलेबल है वाटर में सॉल्वेंट की तरह से पेंट हटाने के लिए सर्फेसिस पे से मिथाइल मिथायलोइट आप जानते हैं भोपाल गैस ट्रेटेडी में यही गैस रिलीज हुई थी टॉक्सिक गैस है बहुत ज्यादा 1984 में क्वेश्चन बहुत पूछता है फेवरेट क्वेश्चन है हर पीसीएस का ये ठीक है टीयर गैस होती है उसको क्या कहते हैं लैक्रीमेटर होती है ये पुलिस यूज करती है ना वो अश्रु गैस बोलते हैं जिसको मस्टर्ड गैस क्या होती है सल्फर मस्टर्ड होता है ये ठीक है सल्फर डाइक्लोराइड और इथाइलिन के रिएक्शन से ये बनता है मस्टर्ड लाइक सरसों जैसी इसकी स्मेल आती है और ब्लिस्टर्स हो जाते हैं अगर ये स्किन के कांटेक्ट में आए फफोले हो जाते हैं बहुत ज़्यादा छाले हो जाते हैं तो ये वर्ल्ड वॉर वन में यूज की गई थी जर्मन आर्मी ने यूज करी थी अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड कनेडियन फोर्सेस डीडी क्या है दाए दाए कलरलेस ओडोलेस टेस्टलेस क्रिस्टलाइन केमिकल है ठीक है और इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी की थी कि इसके अंदर इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज होती है थर्टी में बाय पॉल हॉर्मैन मिलर

नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में तो यूज होता ही होता है क्लोरोफोम बेहोश करने के लिए यूज होता है मूवीज में है ना हीरोइन को उठाना है रख के क्लोरोफोम वाला हैंकी कहते हैं इसको ठीक है टॉक्सिक गैस बनाता है ये लाइट के प्रेजेंस में तो इसको कलर बॉटल्स में रखते हैं सी एफ सी क्लोरोफ्लोरोबन जी तो आप जानते हैं मैनमेड है इन सब सारी प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है फ्रियॉन्स कहते हैं इसको ठीक है क्लोरोबेंजीन है एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है कलरलेस फ्लेमेबल तो इस तरीके से ये वाली थोड़ी थोड़ी चीजें आप कर सकते हैं अब पॉलीमर है मोनोमर और उसका यूज देखिए पॉलिथीन उसका मोनोमर क्या हो गया इथाइलिन टॉयज पैकिंग इन सब में पीवीसी क्लोराइड विनाइल क्लोराइड मतलब ये पॉलीमर मोनोमर से बनता है ना तो इसका है ये। आ, PTFE, टेफलौन। टेफलौन सुना आपने पे कोटिंग, होती है इसकी। पर जब तक कोटिंग है तब तक ठीक है अगर कोटिंग हल्की सी भी खुरच जाए ना तो फिर डिस्कार्ड कर देना चाहिए नॉनस्टिक बर्तन अच्छा नहीं है फिर वो टॉक्सिक फ्यूम्स रिलीज करते हैं नॉट गुड फॉर हेल्थ बेकेलाइट फॉर्मल्टी प्लस फेनॉल होता है ये पोलिथाइलिन टर्थलेट पेट टर्थलिक एसिड और एसिड एंडली ट बनाने के काम आता है ये लेको और पॉलीकार्बोनेट फायर प्रूफ विंडो और सेफ्टी हेलमेट के लिए टेक्सोल आपका बार्क ऑफ पेसिफिक यूट्री एंटी कैंसर एजेंट है ये ठीक है चलिए आप कुछ सोप साबुन और उनके लिए से रिलेटेड फैक्ट्स डिश वॉशिंग आपका विम सोप की बात हो रही है इसको किचन सोप कहते हैं ग्रीस फैट और ये सब हटाने के लिए मिक्सचर है ल, इसमें बहुत सारे लॉरेट सल्फेट सोडियम ये सब होता है कोई नहीं पूछेगा आपसे ठीक है ना ट्रांसपेरेंट सोप्स होती हैं ये हॉट मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से बनती हैं ठीक है, है? लिक्विड सोप आपकी इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है टॉयलेट सोप और ब्यूटी सोप्स में ये अच्छे होते हैं थोड़ी सी ग्रेड में हाई क्वालिटी ऑयल्स और फैट्स यूज होते हैं इसमें और लॉन्ड्री सोप्स आपकी जो है ग्रीस सॉलिड पार्टिकल्स ये सब रिमूव करने के लिए यूज होती हैं मेडिकेटेड सोप्स में आपके एंटीसेप्टिक्स डिसइंफेक्टेंट्स जो भी आप कुछ प्रॉब्लम है वो चीज पर्टिकुलर चीज डाली जाती है उसमें बियर्ड शेविंग सोप सोप फोम एंड ऑल में आता है क्रीम और फोम में फोम बनाने के लिए गम डलता है इसमें रोजन ठीक है चलिए टाइप्स ऑफ ग्लासेज अंदर यूजेस हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन आता है एक बार यूपीपीसी में क्वेश्चन आया था और वो कहीं भी भी कवर्ड नहीं था लेकिन ये टेबल हम लोग हर जगह देते हैं ठीक है ना पीसीएस हो चाहे जो भी पेपर में जीएस आना होता है तो इसी टेबल से वो क्वेश्चन आया था क्राउन ग्लास ये सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है इसके एक जूसेस देखने आपको आई ग्लास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कॉर्ड्स ग्लास और सिलिका ग्लास प्योर सिलिकॉन डाइऑक्साइड मैन्युफैक्चर ऑफ बल्ब अल्ट्रा वॉलेट लैम्प कंटेनर्स फॉर केमिकल रिएजेंट्स एंड लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स क्रूक्स ग्लास सीरम ऑक्साइड और सिलिका सन uh, ग्लासेज के यूज में होता है ये फोटोक्रोमिक ग्लास आपका uh, यही आया था शायद क्वेश्चन क्रूक्स ग्लास आया था आई डोंट डोंबर इट पर इसी टेबल से आया था क्वेश्चन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर की वजह से क्लोराइड और अदर सिल्वर दिस ग्लास ब्लैक इन द सन लेंसेज और इन सब में यूज होता है ये जेना ग्लास आपका जिंक प्लस बेरियम बोरोसिलिकेट बेस्ट टाइप होता है ये जो आपकी लेबोरेटरी में बॉटल्स वगैरह भी होती हैं अच्छी क्वालिटी की बोरोसिलिकेट ग्लास घरों में भी होते हैं तो दैट्स अ गुड क्वालिटी सॉफ्ट ग्लास सोडा ग्लास आप माइक्रोवेव वगैरह में भी रखोगे तो नहीं टूटता है सॉफ्ट ग्लास सोडा ग्लास और सोडा लाइम ग्लास ये आपका जनरल यूटेंसिल्स एंड ऑल में यूज होता है हार्ड एंड ग्लास पोटैश लाइम ग्लास पोटैश ग्लास सिलिका प्लस पोटैशियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट पायरेक्स ग्लास सोडियम बोरोसिलिकेट ग्लास सिलिका प्लस बोरोन ट्राइक्साइड सोडियम प्लस एलुमिनियम फ्लिंट ग्लास सोडियम प्लस पोटैशियम प्लस लेड सिलिकेट ठीक है तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं अब कुछ कॉस्मेटिक्स दिए हुए हैं और उनका कॉम्पोजिशन दिया हुआ है देखिए पूछेगा नहीं जनरली क्या होता है आपसे तीन चार चीजें पूछेगा वो जैसे एक बार एक क्वेश्चन शायद लिपस्टिक पे आया था ये देखिए लिपस्टिक पे उसमें वैक्स ऑयल एंटीऑक्सीडेंट्स पिगमेंट्स एमोलियंट्स तो आप देख के ही समझ जाएंगे कि हां यूज होता होगा जैसे शैंपू है सोडियम लोरल सल्फेट कभी देखना आपने शैंपू के पीछे पहला इंग्रेडिएंट ये लिखा होता है हाँ आजकल सल्फेट फ्री शैंपू आ रहे हैं तो सब बहुत टंटे चल रहे हैं मार्केट में ऐसी बात नहीं है लेकिन जनरली ठीक है जैसे पैराफिन फ्री पैरोबिन फ्री है ना तो नॉर्मली आप अगर एक अवेयर सिटीजन uh, है इंडिया के तो आपको सारी चीजें पता होंगी मतलब जैसे uh, होती है कुछ लोगों की आदत आई एम वन ऑफ देम कोई भी प्रोडक्ट अगर मेरे पास होगा ना तो मैं उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत पढ़ती हूँ तो मैंने देखा है ऐसे बहुत लोगों की आदत होती है तो आप अपने शैंपू के पीछे देखना अभी जाके देखो जाए तो पहला ये लिखा होगा देख लेना आप कोई भी शैम्पू आपका इट दिस विल बी द फर्स्ट इंग्रीडियंट वैसलीन आप जानते हैं पेट्रोलियम जली है पैराफिन वैक्स एंड ऑल तो एक बार देख सकते हैं आप इसमें से क्वेश्चन आने का इतना चांस है नहीं वैसे ठीक है चलिए मेजर यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स दिया हुआ है ठीक है कुछ रेडियो आइसोटोप्स के नाम याद रखने हैं आपको और उनका थोड़ा बहुत यूज याद रखना है देखिए कोबाल्ट 60 और सीजियम वन सेवेंटी थर्टी ये कैंसर और ट्यूमर में के ट्रीटमेंट में यूज होता है फास्फोरस 32 ये बोन डिजीज में होता है और फोटोसिंथेसिस में भी स्टडी uh, करने के लिए ये यूज होता है गामा रेज आपकी ग्रेन्स को प्रिजर्व करने के लिए वेजिटेबल्स फिश वगैरह को कार्बन 14 ये इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर ऑन प्लांट्स को टेस्ट करने के लिए अमेरिशियम टू इट इज यूज टू डिटर्मिन लोकेशन ऑफ ऑयल वेल्स टू मेजर यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ मेटल शीट्स सोडियम ट्वेंटी फोर यूज टू लगेट लीक्स इन द इंडस्ट्रियल पाइपलाइंस इन ऑयल वेल्थ स्टडीज यूरेनियम टू थर्टी फाइव ये फ्यूल है फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड प्रोपल्शन सिस्टम फॉर शिप्स कैलिफोर्नियम टू फिफ्टी टू यह आपका मॉइस्चर कंटेंट डिटर्मिन करता है सॉइल का इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट्स एंड बिल्डिंग्स कार्बन फोर्टीन सी फोर्टीन कार्बन डेटिंग में होता है यूरेनियम टू थर्टी एट और लेड आपका यूरेनियम लेड डेटिंग रूबीडियम और स्ट्रॉनशियम रूबीडियम स्ट्रॉन्शियम डेटिंग में Organ, आपका ये सेम एज ऑफ रॉक्स रॉक्सम करने में ट्यूमर आयोडीन आपका आउटपुट प्लाज्मा वॉल्यूम फैट मेटाबॉलिज्म ये सब करने के लिए होता है फ्लोरीन फिफ्टी नाइन इज यूज इन द टेस्ट ऑफ एनिमिया ट्यूबरकोसिस टेक्नीशियम आपका स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन सोडियम टू मेजर दी ऑफ ब्लड फ्लो कैडमियम वन Uh, used to analyze metal alloys for checking stop scrap sorting. Calcium 47, important aid to biomedical researchers studying the cellular functions and bone formations. Chromium 51, used in research in red blood cell uh, survival studies. Cobalt 57, used as a tracer to diagnose pernicious anemia. Copper uh, 67,

Nickel 63 uh, 226 स इन कलर्ड ग्लासेज एंड ग्लेजेस एंड ग्लासवेयर यूरेनियम टू थर्टी फोर डेंटल फिक्सर्स में जो फिलिंग नहीं कर पाते हैं दांत में उसमें तो नाम एटलीस्ट पता होने ही चाहिए है ना चलिए केमिकल सब्सटेंसेस और उनके ट्रेड नेम्स और केमिकल फॉर्मुला तो आपको ट्रेड नेम याद रखना है फॉर्मुला तो मुश्किल पूछता है ट्रेड नेम जरूर याद रखना है आपको चलिए एलम एलम फिटकरी क्या होता है ये पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट ये इसका फॉर्मूला हैवी हाइड्रोजन क्या है ड्यूटीरियम रेड मेडिसिन जो होता है आपने देखा होगा स्किन uh, वाली प्रॉब्लम में दी जाती है पानी में डाल दो तो जरा सा बिल्कुल जरा सा डालो एक दाना पूरा पानी पिंक हो जाता है पोटेशियम परमेंगे सिलिका आपका सिलिकन डाइऑक्साइड कॉस्टिक पोटैश पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिमैक्सिन बेनजीन हेक्साक्लोराइड नाइट्रे पोटेशियम नाइट्रेट फोजीन क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर आपका ब्लीचिंग पाउडर है विनेगर डायलूट सोल्यूशन ऑफ एस्टिक एसिड लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बोलिक एसिड फिनॉल जिप्सम कैल्शियम सल्फेट

अमोनियम इज अमोनियम क्लोराइड यूरिया इज कार्बोमाइड लाफिंग गैस इज नाइट्रस ऑक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट क्लोरोफोम इज ट्राई क्लोरोमिथेन लिथार्ज इज लेड ऑक्साइड आइडोफोम इज ट्राई आइडोमिथेन गेलीना लेट सल्फाइड पाइरिनज कार्बन टेट्राक्लोराइड रेड वमिलियन लेड पेरोक्साइड फिनॉल इज हाइड्रोक्सीबेंजीन व्हाइट लेट बेसिक लेट कार्बोनेट एम आईसी इज सॉल्ट एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड इंपॉर्टेंट कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड बेकिंग सोडाइ सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट वॉशिंग सोडाइस सोडियम कार्बोनेट बस कंफ्यूज ना हो इन तीनों में तो तो भाई बहुत बढ़िया नहीं तो फिर वे वेरी वे इंपॉर्टेंट मिराटिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंपॉर्टेंट ऑयल ऑफ विट्रोल इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस चाइल्ड सोल्प सॉल्पीट्रे इम्पोर्टेंट शोरा जो होता है आपका सोडियम नाइट्रेट बॉक्साइड हाइड्रेट्स एल्यूमिनियम कार्बोनडम सिलकन कार्बाइड ड्राई आइस इंपॉर्टेंट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आरसीन आर्सेनिक हाइड्राइड ग्रीन कसीस फेरस सल्फेट ब्लू कसीज कॉपर सल्फेट ये थोता होता है ना नीला थोता हरा थोता सुना होगा हिंदी में मैगनीजिया मैग्नीजियम ऑक्साइड लिथोफोन मिक्सचर ऑफ जिंक सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट हॉर्न सिल्फर इज सिल्वर क्लोराइड इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर गैस इंपॉर्टेंट मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन यूनरकॉस्टिक सिल्वर नाइट्रेट मार्श गैस इंपॉर्टेंट मीथेन वेरी इंपॉर्टेंट ब्लैक जिंक जिंक सल्फाइड है सुहागा आप जानते हैं बोरेक्स है व्हाइट कैसी जिंक सल्फेट सोडा एशेस सोडियम कार्बोनेट

डायमंड और ग्रेफाइट के बीच का डिफरेंस बताया गया है आता है सवाल क्योंकि इसलिए बताया गया है डायमंड हार्ड होता है ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है डायमंड इंसुलेटर है इलेक्ट्रिसिटी का ग्रेफाइट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का डायमंड इट डज नॉट मेक मार्क्स ऑन पेपर ग्रेफाइट इट क्रिएट्स ब्लैक मार्क बाय रबिंग ऑन द पेपर इट्स रिलेटिव डेंसिटी इज थ्री पॉइंट फाइव टू इट्स रिलेटिव डेंसिटी इज टू पॉइंट टू द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स लेयर इज आइसोट्रोफिक और ग्रेफाइट का इट्स कंपोज्ड ऑफ हेक्सागोनल लैटिस सरफेस डायमंड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ज्वेलरी ग्रेफाइट नो नॉट पॉसिबल डायमंड ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस इट इज ओपेक एंड कलर ऑफ एश है राख जैसा होता है कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशन दिए हुए हैं केमिस्ट्री के जो आपको देखने हैं क्लोरिन किसने किया इन्वेंट शैले कोबेलसी लुइस थीलियम लॉकियर न्यूक्लियस रदफोर्ड थोरियम बर्जिलियस यूरेनियम एमएच क्लैप्रॉथ प्रोटॉन गोल्डस्टीन ऑफिशियल क्रेडिट जाता है रदरफोर्ड को इलेक्ट्रॉन जे जे थॉम्सन न्यूट्रॉन जे चैडविक ऑक्टेट्रूल जी एन लुइस मैग्नीशियम डेवी मेसॉन युकावा पॉजिट्रॉन एंडरसन ऑक्सीजन वेरी इंपॉर्टेंट एंड शेली आर्गन आपका एंड रिलीग नाइट्रोजन डैनियल रदरफोर्ड हैवी वाटर यूरे कैल्शियम डेवी पोटेशियम डेवी सोडियम डेवी एसोटोप सोडी नाम देखो जरा बर्जिलियस, डाइशन लॉ विल ऑस्वर्ड एंड हाइड्रोजन कैबिश तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस और उनके नाम हो गए जिन्होंने खोजा था है? ये कुछ कॉमन नेम है आयु पैक नेम है जरा फुल फॉर्म बताइए की मुझे देखते हैं फॉर्मिक है? एसिड क्या है मिथेनॉइक एसिड स्टिंगस ऑफ इंसेक्ट कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड ब्लड एंड टिश्यूज एसिडिक एसिड इथेनोइ सिरका प्रोपेनोइ प्रोपेनोइक एसिड ये स्टोर्ड ग्रेन्स और इन सबको प्रिजर्व करने के लिए ब्यूटेक एसिड ब्यूटोनॉक ब्यूटेनॉइक एसिड बटर में मिलता है ये करो मक्खन मलाइया ठीक है चलिए अब कुछ सब्सटेंसेस दिए हुए हैं और उनके यूजेस और वो क्या डैमेज करते हैं इंपॉर्टेंट है देख लीजिए एक बार एस्पटीम क्या है ये सवाल आते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर फ्री क्या रेफ्रिजरेंट बेनेट्रिल क्या है एंटी हिस्टेमाइन है फ्लोराइड पोल्यूशन मॉटलिंग ऑफ टीथ के लिए जिम्मेदार है न्योप्रीन सिंथेटिक रबर है सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन करता है मिथाइल आइसोसाइनेट ये गैस थी जो भोपाल गैस ट्रेटेडी मिली हुई थी एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स वेरी इंपॉर्टेंट ब्लू बेबी सिंड्रोम ओजोन डिप्लीशन स्किन कैंसर रिंगलमैन स्केल सवाल आ चुका है यूज टू मेजर डेंसिटी ऑफ स्मोक वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो ये आप एक बार ध्यान दे सकते हैं चलिए चलिए तो फिजिकल चेंजेस देख लीजिए अब देखिए बहुत ही शॉर्ट में करेंगे और एग्जाम्पल्स जरूरी हैं फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलती हैं मतलब शेप साइज कलर स्टेट ये सब चेंज होगा क्या होता है ये रिवर्सिबल होता है मतलब जिससे आप जहां पे गए हो ओरिजिनल चीज पे आप वापस आ सकते हो कोई नया सब्सटेंस इसमें नहीं बनता है और चेंजेस ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू तो अनदर जैसे पानी का भाप हो जाना बर्फ का पिघल जाना पानी का जम जाना पानी का उबल जाना क्लाउड्स का बनना पुलिंग ऑफ स्प्रिंग भाई स्प्रिंग आपने खींचा और फिर छोड़ दिया तो वो वापस अपनी पोजिशन पे आ जाएगा ये एग्जाम्पल्स हैं फिजिकल चेंजेस के इट डू नॉट चेंज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ द बेसिक सब्सटेंस दैट इज द केमिकल नेचर नहीं बदलता है टेम्पररी होता है और तब तक तक ही रहता है है है। है जब तक जिस वजह वजह से हो रहा है, वो रह रही मतलब कुछ ना पानी बन गया पानी से वापस आइस बन जाएगा फ्रीजिंग ऑफ वाटर आइस बन जाना बॉइलिंग ऑफ वाटर मेकिंग ऑफ सोल्यूशन फ्लैशिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ये सारे आपके फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं ऐसे चेंज जिसमें एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंसेस बनते हैं दैट इज द इंटरनल मॉलिकुलर कॉम्पोजिशन इज डिस्टॉर्टेड दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज नए सब्सटेंसेस बनते हैं और वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म पे नहीं आ सकते हैं मैग्नीशियम रिबन का बनना कोल का जलना वुड का जलना लीव्स का जलना वापस से पत्ती बना लोगे राख से आप नहीं दिस इज कॉल्ड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट राइपनिंग फोटोसिंथेसिस इंड प्लांट्स सनलाइट आयरन रस्ट फॉर्मेशन ऑफ कर्ड वाटर डिकम्पोजिशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये कुछ एग्जाम्पल हैं केमिकल चेंजेस के केमिकल चेंजेस परमानेंट चेंजेस होते हैं दैट आर ऑफन इरिवर्सिबल। फॉर एग्जाम्पल द बर्निंग ऑफ पेपर इज अ परमानेंट चेंज विच के नॉट बी रिवर्स्ड द रीजन इज दैट बाई कंबाइनिंग द कम्बशन प्रोडक्ट्स ऑफ पेपर वी कैनॉट मेक ओरिजिनल पेपर वंस अगेन हमने जला दिया एक पीस ऑफ पेपर विद मैच स्टिक कंप्लीटली न्यू सब्सटेंसेस बन गए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर स्मोक एश ये सब बन गया तो पेपर का जलना क्या है इट्स केमिकल चेंज अटोमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी स्ट्रक्चर ऑफ एटम नेचर में एटम्स एग्जिस्ट करते हैं ये बात बहुत पहले से चली आ रही थी इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स कहते थे ऐसा पर उनके हिसाब से द कंटिन्यूड सब डिविजन ऑफ मैटर वुड अल्टीमेटली ईड एटम्स विच वुड नॉट बी फर्दर डिविजिबल मतलब उन्होंने कहा कि एटम से आगे कुछ नहीं है एटम वर्ड कहां से आता है ग्रीक वर्ड अटोमियों से मतलब अनकटेबल या फिर नॉन डिविजिबल तो ये सारी चीजें चलती रही लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो लोगों को पता चला कि एटम के अंदर भी कुछ है तो एटम जो की जो थ्योरी थी अटोमिक थ्योरी ऑफ मैटर वो पहली बार दी जॉन डॉल्टन ने उन्होंने उसको बोला डॉल्टन अटोमिक थ्योरी डॉल्टन अटोमिक थ्योरी वॉज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कॉम्पोजिशन लेकिन वो ये नहीं बता पाई के बहुत सारे रिजल्ट क्या रहे बहुत से एक्सपेरिमेंट के जैसे इट वॉज नोन लाइक ग्लास और एबेनाइट वेन रब सिल्क और इलेक्ट्रिकली चार्ज तो वो ये सबका पीछे का रीजन नहीं बता पाई स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी एलिमेंट का जिससे मॉलिक्यूल बनते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में विदाउट डीकम्पोजिशन कहलाते हैं जॉन डॉल्टन ने फॉर्मुलेट किया था अटोमिक थोरी एटीन ओ थ्री में अकॉर्डिंग टू विच दटम इज इनसेपरेबल

टोमिक मास हाइड्रोजन लाइटेस्ट है आप जानते हैं है ना 1.008 पॉइंट का मास है इसमें साइज जो है हाइड्रोजन का स्मॉलेस्ट है रेडियस देखो आप कितना छोटा है इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया ये पूछता है जे जे थॉमसन ने बस इतना ध्यान रखना सब अटोमिक पार्टिकल है नेगेटिवली चार्ज न्यूट्रॉन्यूट्र न्यूट्रल पार्टिकल है जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था और प्रोटॉन ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था दिस इज पॉजिटिवली चार्ज इसके ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है रेडियो एक्टिविटी क्या होती है एलिमेंट दैट डीज इन नेटोमैटिकली खुद से डीकम्पोज होते हैं उनकी नेचुरल रेडियो एलिमेंट द रेज इमानियम आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव रेज एंड प्रॉपर्टी रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी हेनरी बेचेर बहुत बार सवाल आता है इट्स अ न्यूक्लियर रिएक्शन नॉट अ केमिकल रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन और रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज हैं थोरियम में ये किसने बताया था मैरी क्यूरी ने शॉर्टली आफ्टर बेकरल डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी ऑफ यूरनियम स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिव डिसोल्यूशन पियर्सिंग रेज जो होती गामा डिसोल्यूशनसिंग एमिटेड फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लिया इनको कहते हैं रेडियो एक्टिव रेज द प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज फाउंड इन न्यूक्लिया न्यूक्लिया आर टेम्पर कुछ नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी डिस्कवर किए गए हैं नाम देख सकते हैं आप रेडॉन है प्रोटोक्नियम uh, है एक्टिनियम है फ्रॉन्सियम है एस्टैटिन है ये सब प्रोमिनेंट हैं। और जो एलिमेंट uh, में मैरी क्यूरी ने एक और एलिमेंट डिस्कवर किया रेडियम इन यूरेनियम ओर पिच ब्लैंड होता है ना यूरेनियम का ओर अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन यहां तैयार हो गया जिसमें पता लगा है कि तीन मिलियन टाइम्स तीस लाख गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव है यूरेनियम से ठीक है अब अटोमिक न्यूक्लियस किससे बना है तो आप जानते हैं न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आप न्यूक्लियॉन्स कहते हैं क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं दे कंपोनेंट्स ऑफ अटोमिक न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स बाहर रहते हैं घूमते रहते हैं उनके चारों तरफ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द न्यूक्लियॉन्स मतलब सॉरी ओनली प्रोटॉन्स सो एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जितने नेगेटिव होते पॉजिटिव तो न्यूट्रल हो गया मामला लेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं एंड एटम्स दे हैव द सेम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनमें ऐसा हो दे आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक इनका सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन भी होता है वॉट आर आइसोटोप्स एटम्स ऑफ सेम अटोमिक नंबर बट डिफरेंट अटोमिक मासेस बस ये एक लाइन याद रखनी है देआर कॉल्ड आइसोटोप्स जैसे तीन आइसोटोप है हाइड्रोजन के आप जानते होंगे अटोमिक नंबर तो वन है पर मास अलग अलग है वन टू थ्री है ना ड्यूटीरियम है ट्राइटियम है ऐसे

अब यहां पे कुछ फैक्ट दिए हुए हैं पॉजिट्रॉन ये एक पॉजिटिवली चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल है जिसका मास और चार्ज इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के इसलिए उसको एंटाइ पार्टिकल कहते हैं इलेक्ट्रॉन का इसका स्पिन हाफ होता है न्यूट्रीनो क्या होता है ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं विदाउट मास एंड चार्ज दे बाय पॉली क्वार्क सुना होगा आपने क्वार्क्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर जहां से मोस्ट ऑफ मैटर बना हुआ है Quark, सारे मिला के बनाते हैं और साउंड के और वाइब्रेशंस होते हैं बेसिकलीसर फूड ने डिस्कवर किया था ठीक है बस बहुत है इतना सल्यूशन क्या होता है सल्यूशन मतलब घोल सल्यूशन इज अमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटैसे इन विच द रिलेटिव क्वांटिटीज ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन चेंज कॉन्टिन्यूसली टू अर्टन एक्सटेंट एट अर्टन टेम्परेचर

ठीक है और फिजिकल स्टेट सल्यूशन की सॉलिड लिक्विड गैस भी हो सकती है आप जानते हैं सोल्यून ऑफ सॉल्ट है कार्बन डाइऑक्साइड ये लिक्विड सोल्यूशन हो गए अभी ऊपर देखे तो आपने सारे टाइप के सोल्यूशन एयर गैस सोल्यूशन है एलॉइज है सॉलिड सोल्यूशन ये सब आप पहला टेबल देख चुके हैं सॉल्वेंट्स का आप जानते हैं बहुत यूज होता है ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में एनहाइड्रस वॉशिंग में परफ्यूम्स के मैन्युफैक्चरिंग में लैकर्स में बहुत सारी चीजों में सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है सॉल्यूशन इन विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजोल्व एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर

सुपर सैचुरेटेड कौन सा है अगर टेम्परेचर सैचुरेटेड सोल्यूशन का इंक्रीज हो गया तो कैपेसिटी जो है की सोलूट इन द दल्यूशन भी इंक्रीज हो जाती है जिसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन न्यूट्रल कौन सा है आप जानते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड का आइन्स सेम हो एसिड बेस का सेम हो एसिडिक कौन सा है जिसमें हाइड्रोजन आइन ज्यादा हो एच प्लस ओ एच से और एल्कलाइन इसका उल्टा ओ एच OH ज्यादा होगा एच प्लस से तो वो एल्कलाइन हो जाएगा नो रॉकेट साइंस वेरी सिंपल थिंग्स क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है आंसर आपके सामने लिखा होता है करेक्ट आंसर इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज इन द एग्जाम बस आपको रिकॉग्नाइज करना है वो आंसर इसलिए ये वीडियोस बहुत काम आते हैं और हर हर बार बच्चे हमें तो मैसेज करके बताते हैं कि बहुत वीडियोस आपके काम आए और उनसे सवाल आए तो देख लीजिए आप है ना चलिए मेटल्स नॉन मेटल्स इन द मिनरल्स मिनल्स मेटल्स एलिमेंट विच लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोवाइड्स केटाइंस इज कॉल्ड मेटल पीरियॉडिक टेबल में लेफ्ट और मिडिल में होते हैं और एक्सट्रीमली लेफ्ट में मेटालिक प्रॉपर्टीज होती हैं हार्ड है शाइनी है मेलियबल है मेलिएबल मतलब थिन शीट्स में टूट सकते हैं ड्रॉ हो सकते हैं टेंसाइल हैं कौस्टिक हैं आप इन पे बजाओगे कुछ तो आवाज आएगी इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट इन बोथ सॉलिड एंड मोल्टन स्टेट्स मेटल्स एंड देयर कंपाउंड मिनरल्स ओर्स अर्थ का क्रस्ट मेन सोर्स है एलिमेंट्स का अमंग नॉन मेटल्स ऑक्सीजन एंड देन सिलिकन मेटल्स एल्यूमिनियम इज फाउंड इन क्वांटिटी पढ़ा था हमने नेचर में मेटल्स कैसे मिलते हैं एक तो फ्री स्टेट में मिलते हैं सिंपल सब्सटेंसेस और एक कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं मिनरल्स क्या हैं स्टेट इन विच मेटल्स एंड कंपाउंड अगर इन अर्थ क्रस्ट इज नोन एज मिनरल्स और मिनरल्स फ्रॉम विच इकोनॉमिकली बेनिफिशियल मेटल्स और जेम्स कैन भी एक्सट्रेक्टेड नोन एज ओर्स जनरली मेटल्स अगर इन द स्टेट्स ऑफ ऑक्साइड सल्फाइड्स कार्बोनेट्स हेलाइड्स एंड सल्फेट्स नॉन मेटल्स क्या हो गए जो एग्जिबिट नहीं करते हैं मेटालिक कैरेक्टर जैसे ब्रोमीन है एक नॉन मेटल जो एक्चुअली लिक्विड स्टेट में होता है हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब और नॉन मेटल्स बहुत कम है लेकिन इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये ब्रिटल होते हैं शाइनलेस होते हैं नॉन एडेसिव होते हैं दे आर कंडक्टर्स ऑफ फिट एंड इलेक्ट्रिसिटी मरकरी है ब्रूमाइन है, है ये लिक्विड स्टेट में होते हैं कुछ नॉन मेटल्स इनर्ट है नोबल गैसेस कहते हैं ना जिनको इलियम न्यून आर्गन आर्गन होगा आर्गन क्रिप्टन जेनॉन ये जेनॉन एक्स से होगा रेडॉन ठीक है रेडॉन इनर्ट भी है

एक्सचेंज रियक्शन में भी यूज होता है और विस्कॉसिटी जो है इट इज हायर देन नॉर्मल वाटर यूजेस आप जानते हैं प्रेशर्स है न्यूट्रॉन मॉडरेटर है कूलेंट मॉडरेटर है बस इतना बहुत है ये और पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर क्या होता है वॉटर विथ लैदर्स जो जल्दी से झाक बना देगा सोप के साथ वो सॉफ्ट वाटर है और जिसमें मुश्किल से झाक बनेंगे वो हार्ड वाटर है हार्डनेस इसलिए होता है कैल्शियम मैग्नीशियम सोल्ट ज्यादा होते हैं तो कॉमन सोप इज सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड ये होता है सोडियम स्टेरियट सोप इज सोल इन वाटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड एटीन एटीन में डिस्कवर्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्मुला इज एच टू ओ टू दाँत साफ करने के बहुत काम में आता है वाइटनिंग ऑफ टीथ जो आजकल नहीं आ रही है टूथपेस्ट वगैरह उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है तो सबसे अच्छा तरीका अगर किसी को व्हाइटनिंग करनी है टीथ की हफ्ते में एक आध बार हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कुल्ले कर लेने चाहिए हम तो ये बोलते हैं यू शुड स्क्विश हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन योर माउथ एंड थ्रो इट आउट एक्स्ट्रा ज्ञान ठीक है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड पेल ब्लू है ग्रीन लिक्विड है कलरलेस इन हैल्कोहल इथर इट्स अ वीक एसिड देखो ये रहा ना एंटीसेप्टिक है है माउथ ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है ब्लीचिंग में यूज होता है प्रिजर्वेशन में भी यूज होता है प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट्स जेट में इन सब में भी यूज होता है तो ये कुछ अच्छी चीजें हैं इस्तेमाल में लानी चाहिए है ना चलिए कार्बन एंड इट्स इनिक कार्बन और ऑक्सीजन होता है, आप जानते है? है की, हमने भी पढ़ा है इसका डायमंड हार्डेस्ट है ग्रेफाइट सॉफ्टेस्ट है और ग्रेफाइट जो पेंसिल की लेड होती है ना पेंसिल की नोक वो ग्रेफाइट की होती है ठीक है क्या होता है ये स्फेरिकल फुलरीन मॉलिक्यूल एनसीआरटी में डायग्राम दिया हुआ इसका एलोट्रोप है कार्बन का जिसका फॉर्मुला है और इसका केज लाइक रिंग स्ट्रक्चर होता है जो फुटबॉल की तरह दिखता है थ्री डी फुटबॉल ऐसे समझो हाई टेम्परेचर पे लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन ब्रेक इन टू हैं क्रैकिंग से ही पेट्रोलियम ऑप्टेन किया जाता है स्मेल्टिंग क्या है स्मेल्टिंग प्रोसेस यूज इन द केमिकल मेथड ऑफ ऑप्टेनिंग प्योर कॉपर फ्रॉम कॉपर ओर तो जो मेटोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे मेटल्स मिक्सड स्टेट में मिलते हैं उसको आप स्मेल्टिंग कहते हैं हाइड्रोजनेशन क्या होता है एडिबल ऑइल्स जो होते हैं ना खाने योग्य जो तेल होता है उसको वेजिटेबल घी में कन्वर्ट किया जाता है एक्चुअली ये वनस्पति घी बनता है इट्स वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ और और किसमें निकल कैटलिस्ट यूज होता है ऐसी वल्कनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें रबर को कन्वर्ट किया जाता है ज्यादा ड्यूरेबल मटीरियल में उसमें सल्फर वगैरह एड करके तो उसको कहते हैं वल्कनाइजेशन कार्बन आप जानते हैं कंबाइंड और फ्री स्टेट्स में मिलता है डायमंड ग्रेफाइट सब जगह कार्बन है है ना हैल कॉम्पोनेंट है और जब सेम एलिमेंट मिलता है इन मोर देन वन फॉर्म इन नेचर जिसकी अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है तब उसको कहते हैं एलोट्रोफी तभी तो कार्बन के अलग अलग एलोट्रोफ्स हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म है डायमंड ग्रेफाइट फुलरीन फिर आपकी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है कोल वुड चाकुल एनिमल चाकुल काजल कोक सब कुछ डायमंड साउथ अफ्रीका ब्राजील यूएसए इंडिया डायमंड लेबोरेटरी में भी बन सकता है आर्टिफिशियल डायमंड कहते हैं उसको हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है अर्थ पे कहते हैं शीशा काट देता है और कलरलेस ट्रांसलूसेंट हार्डेस्ट है देखिए मेल्टिंग पॉइंट कितना ज्यादा है रिलेटिव डेंसिटी कंडक्टर है हीट इलेक्ट्रिसिटी का इनसॉलेबल है हर तरह के सॉल्वेंट्स में और जा, आप जानती हैं महंगा होता है <laughs> कार्बोडम जो होता है आपका सिलिकॉन कार्बाइड उसको आर्टिफिशियल डायमंड कहते हैं तो इसका डायमंड लाइक -like, इसकी हार्डनेस होती है याद रखना ग्रेफाइट मेजर फॉर्म है कार्बन का जो नेचर में मिलता है ज्यादा क्वांटिटी में देन डायमंड इट्स अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एलिमेंट कार्बन विद इट्स एटम्स अरेंज इन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिलता है और ब्लेड पेंसिल्स बनती है, भी है ये ड्राई लुब्रिकेंट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिस है और हाई प्रेशर और टेम्परेचर में आप ऊपर सारे देख चुके ना होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और या फिर मेटल नॉन मेटल एक कॉम्पोनेंट अगर एलॉय मान लीजिए फन कॉम्पोनेंट ऑफ मरकरी तो उस, उसको क्या बोलेंगे अमेलगम यूजफुल होते हैं बहुत स्टील एक अलॉय है सारे आप ऊपर देख चुके हैं उनका कॉम्पोजिशन वगैरह हम सब देख चुके हैं सल्फर नाइट्रोजन और ओजोन नाइट्रोजन देख लो ये ट्राई वैलेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल है और एटमोस्फेयर में मिलता है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है चिले सॉल्ट पेटरे है शोरा कहते हैं जिसको नाइट्रेट्स है अमोनिया यूरिया है नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है बहुत ही जरूरी है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स में अमीनो एसिड में मिलता है जिससे प्रोटीन बनते हैं न्यूक्लिक एसिड्स में मिलता है

कलरलेस ओडोलेस एंड टेस्टलेस गैस नॉट पॉइजनस बट ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एनमल एंड ह्यूमन बींग्स के नॉट सर्वाइव विद इनट प्रजेंस हवा से हल्की होती है फ्रीजिंग पॉइंट बॉयलिंग पॉइंट दिया हुआ है अनसोलिबल इन वॉटर है ठीक है ओजोन ओजोन बहुत ही हाई अनस्टेबल ट्रायमेरिक एलोक्ट्रोप है ऑक्सीजन का तो इसलिए उसको एलिमेंट बोलेंगे इट्स हेवियर देन एयर एंड लेस सॉलिबल इन वॉटर इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट डज नॉट रिएक्ट विद के एम एफ फोर के टू सी आर टू ओ सेवन और पेस्टिसाइड की तरह भी यूज होता है ये

एसिड, हैं, हैं जो एक या एक हाइड्रोजन एटम्स कंटेन करते हैं or, uh, और इनका जो एक्वे सोल्यूशन है वो लिटमस को रेड कर देता है और सावर होते हैं टेस्ट में ये हमने देखा था ना एसिड और बेस का कंपेरिजन टेस्ट ऑफ कर्ड लेमन जूस ऑरेंज जूस विनेगर ये सब खट्टे टेस्ट के होते हैं ना तो ये एसिड होते हैं इनमें केमिकल नेचर इनका क्या है एसिडिक एसिड वर्ड कहां से डिराइव है एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब है सावर सावर टेस्ट जो ज्यादातर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का है वो इसलिए है कि उसमें कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होता है एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस एंड अल्कली टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। ब्लू लिटमस टर्न दी एंड मिथाइल ऑरेंज रेड ये आप सारे ऊपर देख चुके हो टेबल है ना एल्कली बेसिस दैट आर सोलेबल इन वॉटर आर कॉल्ड एल्कली इड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑल एल्कलीज आर बेस बट नॉट ऑल एल्कली बिटर कड़वे जो होते हैं और सोपी टच होता है जिनका उनको बेस कहते हैं और इनका नेचर क्या होगा बेसिक होगा सॉल्ट क्या है सोल्ट आर कंपाउंड विद डिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम्स प्रेजेंट इन एसिड आर कंप्लीटली डिस्प्लेड बाई मेटल लाइक रेडिकल दट इज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस उंडर होता था कितना एच प्लस आइंस होगा या फिर कितना हाइड्रोक्साइड आइंस होगा ठीक है और पीएच स्केल पे डिटर्मिन की जाती है स्केल जो है आप जानते हैं जीरो से जीरो जो है बहुत ही एसिड एक फोर्टीन बहुत ही बेसिक और न्यूट्रल सेवन है प्योर वॉटर इज न्यूट्रल ठीक है और कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के सब्सटेंसिस यूज होते हैं टेस्ट करने के लिए कि कोई चीज एसिड है या बेस है उनको आप इंडिकेटर्स कहते हैं ये रहा आपका पीएच स्केल दिया हुआ है देखो गैस्ट्रिक जूस जूस लेमन प्योर वाटर ब्लड मिल्क ऑफ तो सारे आप टेबल देख चुके हो उनको दिक्कत ही नहीं है तो सारे कर दोगे आप बहुत बढ़िया एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजिव क्या है विस्फोटक कोई भी सब्सटेंस जो एक्सप्लोड कर सकता है ऑन बाइबिंग हिट और लिट

पढ़ लेंगे गन पाउडर सुना होगा चारकोल एंड सल्फर बहुत और मॉडर्न गन पाउडर में एक्चुअली ग्रेफाइट मिलता है क्योंकि ग्रेफाइट रिड्यूस देता है मॉइस्टर कपैसिटी और स्टेटिक इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर्म करने से रोकता है ट्राइनाइट्रोफिनोल टी एन पी इसको कहते हैं पिकीरिक एसिड फॉर्मुला कोई नहीं पूछेगा आपसे इट्स वन ऑफ द मोस्ट एसिडिक फिनॉल्स इट्स मेड बाय द रिएक्शन ऑफ फिनल एंड कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड इट्स यूज एज एक्सप्लोसिव। इट हैज बीन यूज्ड इन मेडिसन आल्सो। लाइट येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है डायनामाइट तो आप नाम से पता है आपको एल्फ्रेड नोबेल ने डिस्कवर किया था इज मेड बाय एब्सोर्बिंग नाइट्रोग्लीसिन इन सोडस्ट एंड किजूलघर ये डायटोमिशियस अर्थ ऑल्सो नो एस डी और नैचुरली अकरिंग सॉफ्ट सिलिशियस सेडिमेंटरी रॉक दट इज इजली क्रम्बल्ड इंटूअ फाइन व्हाइट पाउडर इट्स मेनली यूज इन माइनिंग क्वेरिंग एक्सकोवेशन कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन इंडस्ट्रीज

और नाइट्रेटिंग ग्लाइसरोल को फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ uh, मिला के बनता है ये और इसको नोबेल ऑयल कहते हैं याद रखना प्लीज हाईली बट इज एक्सट्रीमली शॉक सेंसिटिव ऑल्सो ये डायनामाइट बनाने के काम में भी आता है आरडीएक्स ये जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग ने डिस्कवर किया था केमिकल नेम है इसका साइक्लोनाइट या फिर साइक्लोट्राइमिथाइली ट्राइनाइट्रा अमाइन इसको प्लास्टिक भी कहते हैं डी को हेक्सोजन uh, कहा जाता था, था जर्मनी में ठीक है टी फोर इटली में और साइक्लोनाइट यूएस में इट्स एन एक्सप्लोजिव एजेंट इन सी फोर प्लास्टिक या फिर गन कॉटन हाईली फ्लेमेबल होता है जो सेलुलोज वगैरह से बना होता है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या एनेस्थेटिक्स यूज करते हैं ऑपरेशन से पहले बेहोश करने के लिए ठीक है जी चलिए फ्यूल फ्यूल क्या है कोई भी मटीरियल जो जिसको आप

किसकी उस फ्यूल की जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतनी तेज वो जल जाएगा दो तरीके के होते हैं प्राइमरी फ्यूल्स जो आपको डायरेक्टली मिलते हैं नेचर से ठीक है जो हीट डायरेक्टली देते हैं आपने उनको जलाया हीट मिल गई आपको वुड है पेट्रोलियम है कुछ है सेकेंडरी जिनको आप बनाते हैं जो डिराइव है प्राइमरी फ्यूल से ऐसे समझ लो पेट्रोल डीजल कैरोसिन स्टीम ये सब ऑक्टेन नंबर क्या होता है द डिटैचमेंट ऑफ अ फ्यूल मीन द क्वालिटी ऑफ द फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन ऑक्टेन नंबर कुछ फ्यूल्स ऐसे हैं जिनका इग्निशन इज प्रीमेड इन दिलेंडर ड्यू टू विच दीट इज लॉस्ट इन प्रोड्यूसिंगलीस मेटेलिक साउंड इज नॉट कंसिडर्ड सुबलोजन कंपाउंडल इज यूज टू रिड्यूस डेटोनेशन जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा उतना लेस वो डेटोनेट करेगा और उतना बेटर वो माना जाएगा The absorption of hydrogen gas by palladium was first noted by T Graham in 1866. It is used to power a range of new alternative fuel vehicles. Apart from TEL benzene toluene xylene BTX it is also a good anti knocking agent. Fuel efficiency the amount of heat obtained from the complete combustion of 1 kg of a fuel is called its heating value. The calorific value of the fuel is represented by the kilojoule per kilogram unit. ये देखो कुछ फ्यूल्स दिए हुए हैं और उनकी कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई सबसे ज्यादा देखो किसकी है हाइड्रोजन की तो कंपेरेटिव स्टडी के लिए यूज कर सकते हो अलग अलग तो नहीं पूछेगा किसकी क्या है क्या नहीं है ठीक है द इंक्रीजिंग कंजम्शन ऑफ फ्यूल है जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है किस लिए हो रहा है ये फ्यूल का इनसेसेंट यूज की वजह से हो रहा है कार्बन फ्यूल वुड कोल एंड पेट्रोल द रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पल्यूटेंट्स विच कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक एस्थम सिग्निफिकेंट कंबेशन ऑफ दीज फ्यूल रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इट्स अ वेरी टॉक्सिक गैस बर्निंग कोल इन अ क्लोज रूम इज डेंजरस द कार्बन मोनोक्साइड गैस जनरेटेड कैन इवन किल पीपल इन द स्लीपिंग रूम द कम्बशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन दी एनवायरमेंट उसी की वजह से मैंने आपको बताया ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है बाय द कंबेशन ऑफ कोल एंड डीजल इट्स वेरी सफोकेटिंग एंड क्रोजिव गैस इन एडिशन पेट्रोल इंजन एमिट गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन फोसल फ्यूल कुछ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है जैसे कोल एग्जॉस्ट हो जाएंगे ये हमेशा के लिए नहीं है मतलब इनको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस ये कैसे बनते हैं फ्रॉ द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग बीनस इनको कहते हैं फॉसल फ्यूल्स कोल आप जानते हैं कार्बन है मेनली जो स्लो प्रोसेस है डेड वेजिटेशन का इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन क्योंकि ये वेजिटेशन से बनता है इसलिए इसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं कोल को जब आप बर्न करते हैं तो प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कुछ और प्रोडक्ट्स बनते हैं कोल से कोक है विटमिन है कोल गैस है कोक ना हार्ड पोरस ब्लैक सब्सटेंस होता है मतलब कार्बन है समझो आप ये तो इसको आप इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील वगैरह में भी यूज किया जाता है बिटमिन इट्स अ थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंड ओडर इट्स अ मिक्सचर ऑफ अबाउट टू हंड्रेड सब्सटैसे आर यूज्ड ए स्टार्टिंग मटेरियल्स इन द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस वेरियसेंस यूज्ड इन डेली लाइफ एंड इंडस्ट्री एज सिंथेटिक डाइज ड्रग्स एक्सप्लोजिव फ्रेग्रेंस एक्सेट्रा एक होता है कोल गैस कोल गैस इज ऑबटेन्ड वेल प्रोसेसिंग कोल जब कोल को प्रोसेस कर रहे हो आप कोक बनाने के लिए तो कोल गैस मिल जाता है आपको उसमें पीट कोल जिसका वाटर कंटेंट हाई होता है तो इतना अच्छा ग्रेड का कोयला नहीं होता है लो ग्रेड कोयला होता है पीट गेट्स कंप्रेस्ड बाय द वेट ऑफ ऑफ सेडिमेंट्स आफ्टर थाउजेंड्स इयर्स एंड इट्स इनटू लिग्नाइट ब्राउन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स की बात हो रही है तो परसेंटेज कार्बन का लिग्नाइट में ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू पीट और कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट जो अर्थ का लग रहा है लिग्नाइट बन जाता है बिटुमिनस और जब और लगता है तो एंथ्रेसाइट बन जाता है ये अच्छा होता है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू एंथ्रोसाइट कोल सबसे अच्छा माना जाता है और लिग्नाइट लीस्ट हीट होती है सल्फर कंटेंट भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो कोल आप बन कर रहे हो कम सल्फर वाला वो कम सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो वो ज्यादा बेटर है है ना पेट्रोलियम आप जानते हो भाई सारी सारा फसाद

नेचुरल गैस क्या है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड अदर गैसेस जो पेट्रोलियम के साथ ही मिलता है आपको कुछ रीजन में नेचुरल गैस इज रिलीज अंडर हाई प्रेशर थ्रू नेचुरल क्रैक्स और होल्स इन अनपर्मीएबल रॉक्स और मीथेन कॉम्पोनेंट है मेजर नेचुरल गैस का ब्यूटेन एलपीजी का मेन कंपोनेंट है बहुत सवाल आता है पीसीएस बहुत पूछता है यूपी पी बहुत पूछता है आपका अलग अलग पीसीएस पीईटी में बहुत आ सकता है सवाल इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन होम्स एंड होटल्स मेन कंपोनेंट बायोगैस का है प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोगैस प्लांट इज मीथेन गैस ठीक है और इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट डॉ एस वी देसाई ने इन्वेंट किया था गोबर गैस सिस्टम 1941-42 में काफी पुराना है एनवायरमेंटल <laughs> केमिस्ट्री का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पार्ट पर देख लो थोड़ा बहुत क्या होता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन किसी भी तरह का अनवांटेड अनडिजायरेबल चेंज अगर आपके सराउंडिंग्स में आ रहा है जिसका फर्क पड़ रहा है प्लांट्स पे एनिमल्स पे ह्यूमन बींगस पे टल पल्यूशन जो सब्सटेंस ये काम कर रहा है इट इज अ पल्यूटेंट इट कैन बी सॉलिड इट कैन बी लिक्विड और इट कैन बी अ गैसिय सबस्टेंस ठीक है पल्यूटेंट डिग्रेडेबल भी हो सकते हैं जैसे आप भाई जो हमारा गीला कूड़ा होता है घर का वेजिटेबल्स वगैरह और नॉन डिग्रेडेबल भी होते हैं जैसे प्लास्टिक्स है डीडी टी है ये एनवायरमेंट में अक्यूमलेट होते रहते हैं वेरी हार्मुल फॉर हेल्थ एटमोस्फेरिक पोल्यूशन है द एटमोस्फियर द अर्थ इज नॉट ऑफ द सेम थिकनेस ऑफ ऑल एट ऑल हाइट्स ये कॉन्सेंट्रेट लेयर्स होती हैं एयर की जो अलग अलग रीजन में अलग अलग डेंसिटी एग्जिबिट करती हैं तो लोएस्ट रीजन में जहां पे ह्यूमन बींगस वगैरह रहते हैं उसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं आप जानते हैं टेन किलोमीटर तक की हाइट पे पाया जाता है ये ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर आता है तो ट्रोपोस्फियर में टर्बिलेंट डस्टी जोन होता है कंटेनिंग एयर इस रीजन में स्ट्रॉन्ग एयर मूवमेंट होता है क्लाउड फॉर्मेशन होता है स्ट्रेटोस्फियर में आपका ओजोन मिलता है लिटल वाटर वेपर होता है तो प्रोपोफेयर और स्टेटोस्फेर का जो पोल्यूशन चल रहा है ना उसको आप एटमोफेफियर पोल्यूशन कह रहे हो उसके ऊपर के लेवल का तो हमें मतलब नहीं है ना प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन दटमोस्फर सेटोस्फियर प्रिवेंट्स नाइटी नाइन फाइव परसेंट ऑफ सन्स यूवी रेडिएशन फ्रॉम रीचिंग दि अर्थ सर्फे एंड देर बाय प्रोटेक्टिंग ह्यूमनस एंड अदर एनम्स फ्रॉम इट्स इफेक्ट प्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन ये होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सॉलिड और गैसियस पार्टिकल्स इन द एयर द फॉलोइंग आर द मेजर गैसियस एंड पार्टिकल पार्टिकुलर पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन दोपोस्फेयर गैसियस देखो कौन कौन से होते हैं सल्फर के ऑक्साइड नाइट्रोजन केयर यह सब पार्टिकुलर होते हैं डस्ट मिस्ट फ्यूम स्मॉग ये सब

तो जब ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की तीन से चार परसेंट हो जाती है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम हो जाती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इसलिए पीपल आर नॉट टू स्मोक सेम इससे डिजीजेस बहुत सारी होती है तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी इट इज रिलीज एटमोस्फेयर बाय रेस्पिरेशन बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम स्टोन तो ये ट्रोपोस्फियर तक कन्फाइंड रहती है लार्ज अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का जब अर्थ में जाता है तो नेचुरली वार्म होने लगती है अर्थ विच इज रिजल्टिंग इन टू ग्लोबल वार्मिंग ये रहा ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट यही है 75 परसेंट जो अर्थ पे सूर्य भगवान प्रकाश दे रहे हैं वो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर अपने आप बढ़ता है बाकी की हीट अर्थ रेडिएट कर देती है वापस कर देती है एटमोस्फेयर में अब क्या होता है क्योंकि एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस हमने पढ़ा है कुछ हीट ट्रैप कर लेती हैं गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन ओजोन वाटर वेपर तो नॉर्मली हीटिंग होती है एटमोसफेयर की ये हीट बैलेंस मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट था ये रेट अगर नॉर्मल चल रहा है तो ठीक है अब ह्यूमंस जो हैं वो ज्यादा गैसेस छोड़वा रहे हैं ड्यू हैं एटमोस्फेयर में ये ज्यादा होंगी तो ये अर्थ में हीट को ज्यादा टैप करेंगी वापस नहीं जा पाएगी हीट तो इसलिए अर्थ का टेम्परेचर ओवरऑल बढ़ता है ठीक है इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है बस इतना ध्यान रखना है आपको ठीक है

बस इतना देखना आपको एसिड रेन क्या है आप जानते हैं नॉर्मली रेन वाटर का पीएच पांच पॉइंट छह होता है क्योंकि ज्यादा हो जाती हैं क्योंकि रेन वाटर का रिएक्शन फिर से देखो कार्बन डाइऑक्साइड बैठा हुआ एटमॉस्फेयर में ताक लगा है। तो पीएच जब रेन का फाइव पॉइंट सिक्स से कम है तो उसको आप एसिड रेन बुलाएंगे तो एसिड रेन भी वही हमारे ही कुकरमों का नतीजा है इट एमिट्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन के एटमोसफेयर और वो वहीं पर पानी को पकड़ लेगा उसको गंदा करके फिर नीचे भेजेगा ठीक है अमोनियम सॉल्ट दे आर फॉर्म्ड एंड दे कैन बी सीन एट एन एटमोस्फिर हेज एरोस नहीं धुंध सी क्रिएट हो जाती है तो एसोटू जो है इट इज ऑल्सो एब्सॉर्ब डायरेक्टली ऑन बोथ लिक्विड एंड ग्राउंड सर्फेसिस ड्राई डिपोजिशन भी हो जाता है कई बार पाइप करोड कर देता है ताजमहल जो प्रॉब्लम आ रही है वो एसिड्रिन की वजह से मार्बल के साथ रिएक्शन हो जाता है स्मोग सुना होगा आपने स्मोक प्लस फॉग मिलकर स्मॉग बना लेता है बहुत ही खराब पॉल्यूशन है सांस लेना मुश्किल हो जाता है एक तो होती है क्लासिकल स्मोग जो थोड़े ठंडे इलाकों में होती है फोटोकेमिकल स्मोक जो वार्म इलाकों में होती है ठीक है मिकल रिड्यूसिंग होता है मिक्सचर तो उसको रिड्यूसिंग स्मोक भी कहते हैं ओजोन होल कब डिटेक्ट हुआ था Antarctica में हुआ था एक्चुअली सबसे ये कोई होल नहीं है कोई छेद नहीं हो हो रहा है ये हो है ये थिकनेस कम रही तो जो मोटाई कम हो रही है ना तो उसको हम एक छेद के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये यूनिक सेट ऑफ कंडीशन है दैट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल समर सीजन में क्या होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है मिथेन के साथ विथ क्लोरीन मोनॉक्साइड क्लोरीन एटम्स फॉर्म uh, होते हैं क्लोरीन सिंक बनाते हैं तो ओजोन डिप्लीशन होता चला जाता है और विंटर्स में एक दूसरे तरीके के क्लाउड्स होते हैं जिनको कहते हैं पोलर स्टेटोस्फेरिक क्लाउड्स जो अंटार्क्टिका पे बन जाते हैं तो एंटार्क्टिका पे ही पाया गया था सबसे पहले कि अच्छा ऐसी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है ठीक है वाटर पल्यूशन क्या है आप जानते हैं वाटर का गंदा होना इज वाटर पॉल्यूशन सिंपली वो भी हमारी ही देन है इजिली आइडेंटिफाइड सोर्स और प्लेस ऑफ पॉल्यूशन को आप क्या कहते हैं पॉइंट सोर्स ठीक है म्यूनिपल इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज पाइप है जहां पर पल्यूट एंटर कर रहे हैं वाटर सोर्स पर नॉन पॉइंट सोर्स क्या है पोल्यूशन के जहां पर आपको पता ही नहीं कहां से आ रहे हैं एग्रीकल्चर रन ऑफ है एसिड रेन है स्ट्रॉम वाटर ड्रेन जब एसिड रेन में किस किसने कॉन्ट्रीब्यूट करा यह आप नहीं पता लगा सकते ना कॉजेस क्या है पैथजेंस बैक्टीरिया और ये सब ऑर्गेनिक वेस्ट है दुनिया भर के अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है दैट कैन वाटर होल्ड इन सोल्यूशन इज लिमिटेड कोल्ड वाटर में डिजॉल ऑक्सीजन जो है वो काफी टेन ते, पार्ट्स पर मिलियन जा सकता है ऑक्सीजन इन एयर इज टू लैक पीपीएम इसीलिए इवन अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एन डीकम्पोज इन वॉटर कैन डिप्लीट दी ऑफ़ इट्स डिजोल्ड ऑक्सीजन और डिजोल्ड ऑक्सीजन बहुत जरूरी होता है एक्वेटिक प्लांट्स जो है ना वो पानी में घुले हुए ऑक्सीजन से ही सांस लेते हैं हमें लगता है ना तो पानी में जिंदा है ऑक्सीजन की वजह से ही जिंदा है तो ज्यादा आप ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते जाओगे पानी में तो यूट्रिफिकेशन हो जाता है खराब हो जाता है पानी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन अ सर्टन वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तो बीओडी वाटर में क्या है इट्स अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल इन दॉटर इन टर्म्स ऑफ कितना ऑक्सीजन चाहिए टू रिक्वायर टू ब्रेक इट डाउन बायोलॉजिकली कुछ होते हैं केमिकल पल्यूटेंट्स आप जानते हैं कैडमियम मरकरी और ये सब ये बेसिक है आप सब देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए इंडस्ट्रियल है कॉटन मिल से जो निकल रहा है, निकल रहा है. और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिग्रेड नहीं हो पाता है फ्लाईश प्रोड्यूस कर देता है थर्मल प्लांट्स में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स में से निकल रहा है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जिप्सम प्रोड्यूस कर रहे हैं हजार निकल रहा है इनफ्लेमेबल हैं एक्सप्लोजिव हैं फार्मास्यूटिकल्स डाइज पता नहीं क्या कूड़ा कबाड़ बुरा हाल है. तो डिस्पोजल अगर ठीक से नहीं किया जाएगा तो चीजें ठीक नहीं होंगी तभी तो अब ये हैं रूल्स आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले उसमें प्रॉपर सरकार को करके देना पड़ रहा है चीजें अच्छे से नहीं हुई तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी बहुत ज्यादा ठीक है तो ये एक टर्म रह यूट्रिफिकेशन यूट्रीफिकेशन हाँ आप जानते होंगे देखो होता क्या है जैसे आ, कोई पानी है पानी में अगर फॉस्फेट्स वगैरह मिल जाए तो एल्गी ग्रोथ हो जाती है काई लग जाती है काई तो सुना आपने घास में भी लग जाती है काई तो इससे क्या होता है अगर एलगी ग्रोथ बहुत बढ़ जाए तो वाटर सरफेस तो कवर हो गया पूरा तो इसका मतलब ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है पानी में वो कम हो गया इससे एन एरोबिक कंडीशन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया ना क्रिएट हो गई इससे क्या होता है एबनोक्शियस डीके हो जाता है और एनिमल डेथ हो जाती है तो जो ये ब्लूम इन्फेस्टेड वाटर होता है ये इनहिबिट कर देता है दूसरे जीव जंतुओं को पनपने से वाटर बॉडी में तो इस प्रोसेस से जिसमें न्यूट्रिएंट एनरिच्ड वाटर बॉडीज सपोर्ट अ डेंस प्लांट पॉपुलेशन विच किल्स एनिमल लाइफ बाय डिप्राइविंग इट ऑफ ऑक्सीजन एंड रिजल्ट इन सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ बाइडावर्सिटी कहलाता है यूट्रिफिकेशन देखो तो न्यूट्रिएंट्स आप इस वर्ड से मत कंफ्यूज होना यूट्रिफिकेशन की डेफिनेशन में लिखा होता है कि इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट्स ये न्यूट्रिएंट्स वो नहीं है ये आपका एलगी ग्रोथ बढ़ गई है तो सरफेस पूरा कवर हो गया सरफेस ने खराब कर दिया पूरा तो नीचे ऑक्सीजन जाएगी नहीं मर जाएगा पूरा लेक का सब कुछ मर के ऊपर तैर के आ जाती है मछलियां और सब कुछ तो बहुत खराब चीज होती है ये ज्यादातर लेक्स में देखा जाता है ये इसको एजिंग ऑफ लेक्स भी कहते हैं तो लेक्स का बुढ़ापा भी कहते हैं इसको ठीक है चलिए अब वन लाइनर फैक्ट्स देखेंगे आप सारे ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर पोटेंशियल भी चेंज होता है इसी को कहते हैं थॉमसन इफेक्ट द मेटोलॉजिकल प्रोसेस अंडर मेटल्स आर फाउंड क्या बोलते हैं उसको जिसमें मिलते हैं उसको कहते हैं स्मेल्टिंग पेस्टराइजेशन क्या है लिक्विड फूड इन्ग्रीडियंट्स को प्रिजर्व करने का मेथड लुइस पेस्टर ने डिस्कवर किया था तोनी के नाम पे पड़ गया मिल्क को ठंडा किया जाता है और प्रोसेस जो है ये हार्मुल जर्म्स जो हैं डिस्ट्रॉय कर देता है देर आर सम सॉलिड्स ऑन हीटिंग समेड ऑफ कमिंग टू लिक्विड स्टेट स्टेटली डायरेक्टली टू चेंज इन टू वेपर एंड इफ यू कूल इट द वेपर अगेन कम बैक टू सॉलिड स्टेट इसी को कहते हैं सब्लिमेशन यू नो दिस कैम्फर नेपथलीन ये सब इससे प्योरिफाई होते हैं क्रोमैटोग्राफी इज अ केमिकल टेक्निक फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ कलर्ड केमिकल्स डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स बाइ एयर क्या बोलाता है कोरोजन जंग लगना रस्टिंग ऑफ आयरन ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन ग्रीन कोटिंग ये सारे कोरोजन के एग्जाम्पल है इट्स रिएक्शन इन क्या सॉल्ट आयन एंड वॉटर आय और बेसिक सोल्यूशन पॉजिट्रॉन आप जानते हैं जिसका मास और चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिवली चार्ज है एंटी पार्टिकल बोलते हैं उसको इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रीनो आप जानते हैं पॉलिने डिस्कवर किए थे क्वार्क हम देख चुके हैं फोनॉन्स हम देख चुके हैं Nucleus of an atom, Ernest Rutherford, hum chuke hain. Rutherford, proposed the existence of a neutron in an atom but the neutron was discovered by Chadwick in 1932. He discovered that if a fast-moving particle is bombarded with beryllium and other atoms, then electrically neutral particles are released, which we neutrons. Intermolecular forces are between the particles of matter. These forces are different from electrostatic forces arising between two oppositely charged ions. Also, they do not contain the forces that hold two atoms together in a covalent bond. The rivalry between thermal energy and intermolecular interactions determines the state of matter. Macroscopic properties jo hai, matter, ki, uh, behavior of gases, property of liquids, change in uh, unka change in state, it depends on the constituent particles and interaction between them. Chemical properties of matter are not affected by the change in its state but, but by the change in state. This actively depends on physical state. The forces of attraction between gas molecules are very small and almost do not depend on the chemical nature.

At high pressure and low temperature, the intermolecular forces between molecules of gases become stronger as these molecules come closer. A gas can be liquefied under suitable temperature and pressure conditions. A liquid can be thought of as a compressed state of a gas in a low volume region. Some properties of a liquid are surface tension viscosity due to strong intermolecular forces of attraction. हाइड्रोफ्लूरिक एसिड जो है वो एनग्रेविंग और स्क्रैच करने के लिए काम आता है ग्लास पे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को आप जानते हैं ड्राई एस या फिर ड्राई स्नो कहते हैं इट डायरेक्टली कन्वर्ट इन टू गैस ऑन हीटिंग ग्राफाइट स्मूथ शाइनी ऑर्गेनिक मटीरियल है और ग्राफाइट पाउडर लुब्रिकेंट के तौर पर यूज होता है डायमंड आप देख चुके हैं एलोड्रोप है कार्बन का ग्रेफाइन ग्राफीन टू डायमेंशनल एलोट्रोप है कार्बन का पर्ल सच्चा मोती होता ना, 85 है ना एटी फाइव परसेंट कैल्शियम कार्बोनेट है टू टू फोर परसेंट वॉटर है और एक uh, इसमें प्रोटीन मिलता है कैंस्यूलिन करके ठीक है रूबी और सफायर जो होते हैं जेम्स हैं कोरंडम के और नेचुरली फॉर्म में मिलता है ये आप जानते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में सोडियम वेपर लैम्प्स को यूज करते हैं फॉर स्ट्रीट लाइटिंग बिकॉज द लाइट इज मोनोक्रोमैटिक एंड इट डज नॉट स्प्लिट प्योरिटी ऑफ गोल्ड कैसे नापते हैं आप डिग्रीज और कैरट्स में प्योर गोल्ड इज थाउज डिग्री और ट्वेंटी फोर कैरट बहुत सॉफ्ट होता है उसकी ज्वेलरी नहीं बन सकती ठीक है फोर्टीन कैरेट एटीन कैरेट ट्वेंटी टू कैरेट तीन कैरेट चलते हैं जनरली गोल्ड इज नॉट अफेक्टेड बाय नाइट्रिक सल्फ्यूरिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स बट डिजॉल्वज इन एक्वा रीजिया तीन पार्ट होते हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के और एक पार्ट नाइट्रिक एसिड का द केमिकल एक्टिविटी ऑफ गोल्ड इज लोएस्ट अमंग मेटल्स जिसकी वजह से फ्री स्टेट में मिल जाता है फ्लोरोसन्स ट्यूब इज मोस्ट कॉमनली फिल्ड विद लो प्रेशर मर्करी वेपर एंड आर्गन गैस समटाइम नियन और क्रिप्टन ऑल्सो यूज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सोडियम इज जीरो पॉइंट वन नाइन सेवन बींग लाइटर देन वॉटर इट फ्लोट्स ऑन वॉर सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इट एंड इलेक्ट्रिस द मोस्ट अबंड मेटल इन दर्थ क्रस्ट इज एलुमियम द नॉन मेटालिक डायमंड इज दार्डेस्ट ऑफ ऑल वाइल पैटनम इज हार्डेस्ट मेटल लिथियम इज लाइटेस्ट ऑस्मियम इज हेवीएस्ट मेटल की बात हो रही है और ऑस्मियम इज नेचुरल मेटल विद डेंसिटी ट हार्डनेस जो है वॉटर की वो किस क्लोराइड और सल्फेट होते हैं उसमें कैल्सियम और मैग्नशियम के हार्ड वॉटर सेलाइन होता है अगर पियेंगे आप तो फोर्म नहीं बनाता सोप के साथ भी रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है इट्स स्पेशल प्रोसेस ऑफ वॉटर प्योरिफिकेशन बाय फिल्ट्रेशन मेथड समुद्र के पानी को उससे प्योरिफाई करते हैं प्योर वॉटर इज कंसिडर्ड न्यूट्रल विदेन वेस्ट वनवर्टेड इन टू क्लीन वॉटर बाई द प्रोसेस ऑफ केमिकल कोओग्लेन एलम होता है ना फिटकरी उसको मिगाते हैं डर्टी वॉटर के साथ और कोग्लेन हो जाता है हाइड्रोजन इज द क्लीनेस्टिशन फ्यूल आप जानते हैं विट प्रोड्यूसेज ओनली वॉटर मतलब बाकी तो बहुत सारी गैसेज गैसे एमिट करते हैं लेकिन ये सिर्फ वॉटर प्रोड्यूस करता है रेन वॉटर इज प्योर फॉर्म ऑफ वॉटर इट पी एच एज सेवन एसिडिक एंड अल्कोलाइन सब्सटैसेज आर डिजोल्ड इन दॉटर फाउंड ऑन अर्थ मर्करी और आयरन बेस्ट कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिक करंट के दबस्टेंस विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ऑफर लो रेजिटेंस क्या बुलाते हैं उसको कंडक्टर सिल्वर और कॉपर है बेस्ट कंडक्टर्स ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स कैसे होते हैं बेसिक होते हैंचर में द फर्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ एलुमिनियम ट्वेंटी सेवन में हुआ था द रीजन फॉर द स्मेल इन अनियंस एंड गार्लिक किस लिए होता है सल्फर की वजह से द केमिकल नेम ऑफ कार्नोटाइट क्या है पोटेशियम वेंडेट स्मेल्टेड क्या है इट्स अ निकल मेटल ओर हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूज क्या करता है निकल मेटल को एज अ कैटलिस्ट बेस ऑफ द वर्ल्ड फेमस एफिल टावर किसका बना है स्टील और सीमेंट का जियोलाइट क्या है uh, पानी को सॉफ्ट करने के काम आता है मोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स एंड कंपाउंड पोटेशियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं पर्ल्ड एश नाइक्रोम किसका अलॉय है निकल क्रोमियम आयरन का आप सारे देख चुके हैं और इलेक्ट्रिक हीटर की जो कॉइल होती है वो सिर्फ नाइक्रोम की होती है केमिकल नेम ऑफ क्रोमिक एसिड क्या है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ब्रिटानिया मेटल एंटीमनी कॉपर और टिन का अलॉय है बैबिट मेटल टिन एंटीमनी कॉपर का है स्टेन सल्फाइड को मोजैक गोल्ड कहते हैं पेंट के तौर पर यूज होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड को बारेटा वाटर कहते हैं बेरियम सल्फेट इज यूज एज बेरियम मेटल इन एबडोमल एक्सरेज ग्रीन कलर ड्य फायर व होता है स्ट्रॉनशियम की वजह से जो रेड होता है ना पटाखे में पैलिडियम मेटल एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चर में यूज होता है और गेलियम मेटल लिक्विड होता है रूम uh, टेम्परेचर पे सेलेनियम मेटल जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज होता है साइटोक्रोम आयरन uh, में होता है प्रेस में मर्करी को आयरन वेसर में रखते हैं क्योंकि वो अमेलगम नहीं बनाता आयरन के साथ अमेलगम बताया था ना ऊपर मैंने अभी

कोरोजन डज नॉट अकर इन गैल्वनाइज आयरन क्योंकि एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज नहीं है बिकॉज द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीडाइज इज फाउंड इन गैल्वनाइज आयरन जिंक एक एलिमेंट है विच इज यूज इन द इम्यूनाइजेशन ऑफ आयरन गैल्वनाइज आयरन कैन बी कैन विद स्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ वाटर सोप सोल्यूशन पेट्रोल सब सब झेल जाता है ये बेचारा वैन केमिकल मिक्स विदल टू फॉम एन अलॉयो कहते हैं अमेलगमिक्सर ऑफ सिल्वर मरकरी ना वो दांतों में फिलिंग करने का काम आता है

टीयर ड्रॉप गैस जो होती है वो डिस्पर्स करने के लिए काम आती है ना भीड़ को तो जब कॉन्टैक्ट में आती है ना ह्यूमन आई के तो इरिटेशन करती है ये तो जो मेजर है उन, है उनमें उनफा क्लोरो एसिटोफिन एक्रोलिन ये सब यूज होता, होता है अमोनिया भी यूज होता है ग्लाइसिन क्या है इट्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द विदार्मला नॉट इंपॉर्टेंट स्मॉलेस्ट ऑफ द ट्वेंटी एसिड कॉमनली फाउंड इन प्रोटीन क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन जो हैं, दे आर हेलोजन ग्रुप गैसेज वाइल ब्लैक ओपेक क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्यूबलाइट्स में फिल किया जाता है मरकरी वेपर बहुत ही लो प्रेशर पे एंड एन इनर्ट गैस मेनली आर्गन सरफेस इनर सरफेस ग्लास का यूज इन ट्यूबलाइट इज कोटेड विथ फॉस्फर पाउडर एक्वारिजिया एसिडिक कोरोजिव ऑक्सीडेटिव मिक्सचर है तीन पार्ट आप जानते हैं इसको एक्वारिजिया uh, uh, जो है कुछ ही मिक्सचर्स हैं जो उसमें डिजोल्व हो सकते हैं दैट इज कॉल्ड नोबल मेटल्स गोल्ड एल्यूमिनियम ये सब चेंज द कलर ऑफ रेड और ब्लू लिटमेंड न्यूट्रल्यूशन होतेमिकल इंडस्ट्री सल्फ्यूरिकल्ली मेटलिक एसिड जो है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है एंड एसड इज अंपाउंड इन वॉटर एक्वायर हाइड्रोजम आयन पॉजिटिव आयोन वाटर कैन बिकम एसिडिक डू टू डिजोल्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड और एसिडिटी को आप कर सकते हो बाइ डिविंग सीओ टू विद बेकिंग सोडा वगैरह सल्यूशन और अमोनियम चेंजेस कलर ऑफ रेड लिटमे ब्लू व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करता है जब वो हाइड्रोलेक्ट्रिक एसड के साथ रिएक्ट कराते हैं हाई रेजल्यूशन फोटोग्राफिक प्लेट कोटिंग हाईली फाइन ग्रेन फोटोसेंसिटिव इमलशन विद सब माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड जेलिटिन सोडियम थायोसलफेट इज यूज इन फोटोग्रफी एज अ फिक्सर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इट इल्सो यूज इन दस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन सिल्वर Calcium hypochlorite or calcium oxychloride is an uh, inorganic compound. It is also known as bleaching powder. Bleaching powder is used for water treatment and acts as bleaching agent. It's not highly soluble. To develop the photographic plate, the plate is placed in the solution of silver bromide until all the silver bromide is dissolved. When eno, you know, dissolved in water, carbon dioxide gas is produced, which produces that bulbulas. Alithrin is a synthetic pyrethroid insecticide used in mosquito repellents. फायर एक्सटिंग में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाई रिएक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड रैट पॉइजन इज मेड फ्रॉम अ केमिकल कॉल पोटाशियम साइनाइड और जिंक फॉस्फाइड। ये बहुत ही टॉक्सिक केमिकल होता है रोडेंटिस टाइप ऑफ इन्सेक्ट कंट्रोल केमिकल यूज टू कंट्रोल मंचिंग एनिमल्स लाइक रैक्स एंड एल्यूमिनियम फोस्फाइड इज एन ऑर्गैनिक कम्पाउंड इज यूज इन दोरेज ऑफ फूड ग्रेन एज अ पेस्टिसाइड एंड फ्यूमिगेंट यूरेनियम आप जानते हैं एज ऑफ अर्थ ओल्ड रॉक्स के लिए काम आता है उसको क्या कहते हैं ना एज मार्किंग कार्बनडेटिंग मेथड क्रूक्स ग्लास मिक्सचर ऑफ सीरियम एंड अदर रेयर एलिमेंट्स ये कर सकता है वाइट पाउडर विच इज यूज इन द मैफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स इंक्स एंड ऑइंटमेंट्स क्लाउड सीडिंग क्या होती है आर्टिफिशियली रेन क्रिएट करते हैं इससे और सिल्वर आयोडाइड वगैरह यूज किया जाता है और इसके अलावा दे आर ऑल्सो रिलीज फ्रॉम अर्थ बाय जनरेटर्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ऑन द्लाउड्स फॉस्फोरस ऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेमेबिलिटी ऑफ मैचेस जैलेटिन Is used to coat the ends of sticks with a phosphorus rich substance. Nickel and cadmium are used as electrodes in charge batteries, commonly used in torchlights, electric shavers, etc. It has the cathode of nickel hydroxide and the anode of cadmium. In this, potassium hydroxide is used as an electrolyte. Phenyl is a phenol derivative chemical, which is widely used as disinfectant in homes, offices, etc. Bhopal gas tragedy happened on the night of 2 to 3 December 1984. कलर ऑफ पॉजिटिव प्लेट ऑफ लेड एसिड बैटरी इज ब्राउन जब वो पूरी तरह से चार्ज होती है और, नेगेटिव प्लेट ग्रे होती है। और बैटरी जब फुलचार्ज होती है तो नेगेटिव प्लेट प्योर व्हाइट हो जाती है एप्लीकेशन है इसका गैसियस फॉर्म जो है वो लाइटेस्ट क्लोइड है अर्जेंटाइट ओर्स जो है दे आर कॉन्सेंट्रेटेड बाई केमिकल लीचिंग मेथड पाइन फ्रॉथिंग एजेंट के रूप में यूज होता है और मन केसेज डी नेचरेशन ऑफ प्रोटीन के हैं कोगलेशन ऑफ एग वाइट एग इज सब्जेक्टेड टू बॉइलिंग कर्डलिंग ऑफ मिल्क फ्लेवर ऑफ एप्पल्स किसकी वजह से इथेनॉल की वजह से द ट्रैकिंग ऑफ पीपल बाय ट्रेन डॉग्स कैसे होता है वो उनके स्वेट से ना पैर से पैर के तलवे के स्वेट से एक वो निकलता है कार्बोक्सिलिक एसिड उसको सूंघ के लोग पता लगाते हैं जो डॉग्स होते हैं एफई एन एमजी मेटल प्रेजेंट इन हिमोग्लोबिन क्लोरोफिल मतलब आयरन किस है हीमोग्लोबिन में मैगनीशियम किस है क्लोरोफिल में बहुत इंपॉर्टेंटें नाइट्रिक एसिड यूज इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स द प्रिंसिपल केमिकल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नाइट्रिक एसिड्स अमोनियम नाइट्रेट सल्फ्यरिक एसिड यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव लाइक टी एन टी नाइटो नाइट्रोग्लीसरी गन कॉटन बेकिंग सोडा हैज सोडियम बाय कार्बोनेट एज अ चीफ कॉन्टिटेंट इन डीकम्पोजिज ऑन हिटिंग गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड दिस डो के बिस्किट्स टू एक्सपैंड एंड बिकम लाइट कार्बन इन इट्स फॉर्म ऑफ कार्बन ब्लैक इन नेचर अ वेरी फाइन पाउडर ऑफ फेरिक ऑक्साइड इज नोन एज रेड या सिंपली राउस ये फाइनल पॉलिश करते हैं ना ज्वेलरी पे लेंसेज पे और कॉस्मेटिक में मतलब यूज होता है काफी मिश मेटल क्या है ये आयरन का अलॉय होता है यूज इन सिगरेट लाइटर्स सीरियम लैंथिनम न्यूडिमिन प्राजोडिमियम ये सब होता है इसमें रेड फॉस्फरस इज मोस्टली यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सेफ्टी मैचेस बटर किसका एग्जाम्पल है कोलोइडल डिस्पर्जन ऑफ अक्विड सॉलिड सोलिड इज जेल फ्लोरसेंट द ग्लास इन द सेट न फ्लोरसेंट लैम्प हैवी वाटर डी टू इज यूज इनियर रियक्टर एज अ मॉडरेटर ड्यूटर इट्स अटोमिक मास इज टू हेन्स इट्स मॉलिक्यर वेटिस ट्वेंटी एसिटोन इज यूज एज ए सोलवेंट इनग्रीडियंट है आप जानते हैं नील पॉलिश रिमूवर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेडिश आर ई हो जाएगा ये कोई नहीं ये सब पे ध्यान मत दिया करो ठीक है रेडिश

और मतलब मानते हैं कि वहां से ले आए तो एनर्जी क्राइसिस खत्म हो जाएगा धरती का टू फोर डी जो है वीड्स को डिस्ट्रॉय करने में काम आता है खरपतवार होते हैं ना पॉली एक्राइल एक्रोलो नाइट्राइल या फिर ये सब्सिट्यूट है वूल का सिंथेटिक ब्लैंकेट्स वगैरह तो बनाने के लिए काम आता है ये ग्लास वूल इज एन इंसुलेटिंग मटीरियल ऑब्टेन फ्रॉम फाइबर ग्लास अरेज वो टेक्सचर से टू वूल द टैंक्स यूज बाय स्कूबा डायवर्स आर फिल्ड विद एयर डायलूटेड विद हीम बिकॉज अनलाइक नाइट्रोजन हीज नॉट सॉलिबल इन ब्लड इवन अंडर हाई प्रेसर एथाइल मरकैप्टन या फिर ये एलपीजी सिलेंडर्स में ऐड की जाती है जो लीक की स्मेल होती है वो इसकी होती है टाइटेनियम एप्पल में आ गया ना फिफ्टीन इज यूज फॉर मेकिंग बोट्स बिकॉज इट नॉट बाय द सी वाटर। कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो ल्यूसाइट के बने होते हैं पॉलीमर है हीट बहुत होता है Water will क्या है? ये lung का डिजीज है सिलिका डस्ट जो लोग सुनते रहते हैं ना कुछ टाइम तक पॉट्री सेमिक और ग्लास इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग उनको हो जाता है ये सोडियम थायोसल्फेट जो है ये फिक्सर का, का काम करता है फोटोग्राफी मेंंडर कम्पोज ए जी बी आर एज अलूशन एस ए सॉल्यूबल सिल्वर था रिएक्शन वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग वेरियस स्पीशीज ऑफ वर्म्स रेड विगलोजिनियसा बना के ना उसको वर्मी uh, कम्पोस्ट बना लेते हैं उसमें वाटर सॉलिबल न्यूट्रंट भी होते हैं ये न्यूट्रेंट रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है सॉइल का कंडीशनर है सोप्स के नॉट भी यूज इन एसिडिक कंडीशन बिकॉज एर कन्वर्टेड इन टू फ्री एसिड दैट फॉर्म कम इन एन टोमिक एक्सप्लोजन बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी टू न्यूक्लियर चुकी हूं स्टमक एसिडिटी को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एंटासिड और रेक्सिटिव में काम आता है आयोडाइज सॉल्ट कंपाउंड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड कॉमन सॉल्ट ये कुछ एजेंट और उनकी डिजीज आर्सेनिक से मेले हो जाता है फ्लोराइड से फ्लोरोसिस डस्ट से प्रेबाइकिस इंपॉर्टेंट मेन कॉज क्या है हार्डनेस हार्डनेस ऑफ वाटर का प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस याद रखना कम देख चुके आप फूड कैंस में कोटिंग होती है टिन की ऑफ जिंक क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है टिन से है, है ना कॉमन कंपाउंड कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट क्या है वाइट सॉलिड है हाईली हाइग्रोस्कोपिक है रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू हार्ड सॉलिड मास ऑन वेटिंग विद वाटर मतलब पानी को एकदम से एब्जॉर्ब कर लेता है सिलिका एंड एल्यूमिनियम द टू मेन कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ ग्रेनाइट सेवेंटी टू सेवेंटी सेवन परसेंट सिलिका इलेवन टू थर्टीन परसेंट एलुमिनियम इन फॉर्म ऑफ एल टू थ्री और, oil में तले हुए समोसे खाते हो तुम लोग बाहर दुकानों पे ठीक है <laughs> ये जो फ्री रेडिकल डाइट में आ रहे हैं ना ये वही से आ रहे हैं सब समोसे दुकान से <laughs> momos, है फ्राइड मोमोज है बगासे इज अ शुगर की फाइबर वेस्ट लेफ्ट आफ्टर जूस एक्सट्रैक्शन पेपर के प्रोडक्शन में काम आता है ग्रेफाइट एंड ग्रेफाइट पाउडर आर अक्रिंग। यू नो अकरूनिवर्स क्रोमियम ऑक्साइड इन पेंट्स जो है पेंट को ग्रीन कलर देता है एनएससीएल हैज सेम मॉलिकुलर वेट एंड इक्विलेंट वेट

डोलोमाइट आपका एग्रीकल्चर में यूज होता है टू रेज द पी एच ऑफ ओवर्सिडिकॉइल जो ज्यादा एसेडिक सॉइल है उनको एल्कलाइन करने के लिए नाइट्रेट्स कैन एंटर दी ग्राउंड वाटर बाय एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इंक्लूडिंग मेन्योर स्प्रेडिंग द एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स भी नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो फिर प्लांट्स नहीं लेते हैं नाइट्रेट बन जाता है जो लीच आउट हो जाता है मतलब बह जाता है स्टेट्स ऑफ मैटर आप जानते हैं फाइव टाइप से इंपॉर्टेंट सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा और बीई सी बोस आइंस्टीन कॉन्टेंसेट्स

बॉइलिंग वॉटर एब्बॉर्ब हीट इन दर्म ऑफ लेटेंट हीट फॉर द पर्पज ऑफ चेंजिंग इट्स लिक्विड टू वेपर्स एंड लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन इज क्वाइट हाई फॉर वॉटर आप देखना भाप से बहुत जल्दी हाथ जलता है एज कम्पेयर टू गर्म पानी और उबलावा पानी भी डी गेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरे ऑफ इन्सॉलिबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड इज अलाउड स्टैंड टाइम और फिर वो सेटल हो जाते हैं फ्लोरिन डिव लेकॉज इट डॉटिस बट देर मोनोटॉमिक ये सब छोड़ सकते हो आप ये जो आइसोटोप्स जो होते हैं सेम एलिमेंट के आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी होती है तो उनको केमिकल मेथड से आप सेपरेट नहीं कर सकते मास डिफरेंस सेपरेट कर सकते हो जैसे मास स्पेक्ट्रोमीट्री होता है वो इस काम में यूज होता है

बोरिक एसिड बोरिक एसिड आपका कहाँ यूज होता है एंटीसेप्टिक एंटीसाइड फ्लेम रिटार्डेंट न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर ये सब केमिकल फॉमुला दिया हुआ इसका है इसका कलरलेस क्रिस्टल्स हैं व्हाइट पाउडर जो जोजोल्व करता है पानी में सिट्रिक एसिड आपका इंसेक्टिसाइड डिसइंफेक्टेंट्स इन सब यूज होता है प्रिजर्वेशन में यूज होता है एसिटिक एसिड आप देख चुके हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते हैं अब तो अभी ये लास्ट पार्ट बचता है हमारा केमिस्ट्री का ये और देख लेते हैं फटाफट से

सेम नंबर ऑफ बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आइसोटो यूनिट क्या हैल उनके नाम पे रेडियक्टिव ऑब्जेक्ट्स को कंटेनर्स में रखना चाहिए लेड से बने हुए बीटा रेस पे आइसोथम्स बाई दिन ऑफ बीटा रेज ड्यूरिंग विच टाइम नो चेंज इन मास और मटीरियल गामा एमिशन क्या है ऑर्डर पेनेट्रेटिंग पावर का गामा बीटा और एल्फा लीस्ट परमीएबल पावर एल्फा एल्फा पार्टिकल में दो प्रोटोन है दो न्यूट्रॉन्स हैं एल्फा पार्टिकल एक्जैक्टलीस हिलियम द एल पार्टिकलटलीस एटम ऑफ हिलियम वट आर बीटा रेज एमिट फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटीरियल इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड न्यूक्लियस गा रिजर्व मेडअप ऑफ डी वेवस वॉटन विदा डीकेट द मस नंबर ऑफ द न्यूक्लियस चेंजेस नॉट दस दटोमिक नंबर चेंजेस वॉट इज रि एक्टिव एलिमेंटोनियम

Is by chain कौन सा नाम था वो जो ड्रॉप हुए थे लिटिल बॉयमैन एटॉमिक बॉम्ब का सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन इम्पोर्टेंट ऑन व्हाट प्रिंसिपल हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन हाइड्रोजन बॉम्ब वॉज डेवलप बाय एडवर्ड टेलर न्यूक्लियर रिएक्टर किसने इन्वेंट किया एन फर्मी कंट्रोल रॉड का फंक्शन क्या है एब्सॉर्ब एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन

और हैवी वाटर जो है क्या है एनऑक्साइड ऑफ रिलेटिवली हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन ग्रेफाइट मॉडरेटर के तौर पे यूज होता है दोनों तौर पे जो यूज होता है मॉडरेटर भी और रेफ्रिजरेंट भी हैवी वाटर में बॉन्ड आयनिक है और वाटर मॉलिक्यूल का पोलर कोवेलेंट है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरिन है सात से कम पीएच वैल्यू है तो वो एसिड है एसिड रेन का पीएच वैल्यू हम बता चुके हैं आपको पीएच वैल्यू ऑफ अ सैम्पल ऑफ मल्टीपल डिस्टिल्ड वाटर नियर जीरो है वट इज द अप्रोसीमेट वैल्यू ऑफ पी ऑफ ह्यूमन ब्लड सेवन What is the strongest base in aqueous solution? Diethylamine. Which acid has three basicity? Phosphoric acid. Milk is an emulsion. When two liquids do not dissolve in each other and do not form a solution, it is called immiscible. The sugar in a uh, sugar solution is solute. When butter collide is formed, fat pellets are dispersed in water. Combination of smog, smoke and fog. A solution in a collided solution of liquid and liquid. चार्ज लॉ वी डायरेक्टलीचर एट विच ऑल मॉलिकुलर मोशन स्टॉपिकल रिएक्शन बाई विच हिट इज रिलीज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इन नेचर कौन सा जब वॉटर बॉयल करता है प्रोसेस ऑफ फिशन ऑफर मॉलिकुल विद लाइट एनर्जी इज कॉल्ड लाइट डिकम्पोजिशन Who designed the method of using the chemical symbols we use today? Berzelius. Which element is called the aurum, gold? Who is called uh, fuel of the future? Hydrogen. Maximum calorific value. Hydrogen. Best fuel. Hydrogen. Least environmental pollution. Hydrogen. Which one is a steam ember gas? Mixture of carbon monoxide and hydrogen, which can be used as propellant or fuel in rockets: liquid hydrogen or liquid oxygen. LPG, propane, butane. और कुकिंग के लिए एलपीजी वी फील द स्मेल इंडिकेट्स एलपीजी इज लीकिंग इट्स अ सल्फर कंपाउंड विच गैस एक्सपेल्ड फ्रॉम बायोगैस प्लांट यूज्ड इन फ्यूल गैस मीथेन बायोगैस का नाम डंग गैस किसने इन्वेंट किया सीबी दस आई न्यूलेंट मैडलीवर मेयर डेवलप पिरोडिक टेबल्स मॉडर्न टेबल मैं बेसिक एलिमेंट्स मैंडलीव डिमेट्री मैडलिव ने क्या बनाया था पीरियडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स कितने ग्रुप कितने पीरियड्स हैं अठारह ग्रुप है सेवन पीरियड्स हैं हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है क्लोरीन का

Popular name of washing soda, sodium carbonate. Sodium carbonate soda. Washing soda to soften hard, hard water. Chemical formula, Na2CO3.10H2O. Which one is the chemical name of baking soda? Sodium bicarbonate. What is the common name of sodium bicarbonate? Baking soda. Edible soda is sodium bicarbonate. Why is baking soda added to dough, atime, to generate CO2? What product is formed when sodium bicarbonate is heated excessively? Sodium carbonate. the chemical name of hypo commonly used in photography is sodium thiosulfate sodium thiosulfate jo hai, it removes undis undissolved silver bromide as soluble silver thiosulfate complex which substance is used in photography as an anti-chlor sodium thiosulfate in photography what is the chemical used as a fixer and developer sodium thiosulfate what happens in the airbag used for safety of the uh, car driver sodium azide which mineral is found in nature called sodium chloride or table salt halite स्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड और विच डॉट फॉर्म सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट पोटेशियम पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर विच वन ऑफ द फॉलिंग इज यूज मेकिंग गन पाउडर पोटेशियम नाइट्रेट गन पाउडर चारकोल सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट सी वॉटर से कौन सा मेटल निकलता है मैग्नीशियम और टालक जो होता है वो मैग्नीशियम सिलिकेट होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन पिगमेंट एंड इंडस्ट्री मैग्नीशियम सल्फेट इज द मेन एलिमेंट ऑफ एंटी एसिड बींग ब्रॉट इन मार्केट एज मिल्क ऑफ मैगनीजी एमजी का होल्ड वाइस हाउ इज मिल्क ऑफ लेक्सेटिव एप्सम सॉल्ट अबंडेंट मैगनीजियामजी अबंडल एलुमिनियम बॉक्साइड एल्युमिनियम का है क्रायोलाइट किसका है एंटीमनी का बाई विच इंडस्ट्री बॉक्साइट इज यूज एज रॉ मटीरियल एलुमिनियम Although the amount of aluminium in the crust is more than that of iron, still aluminum is costlier than iron because metallic methods are more expensive than iron. Which aluminium salt is commonly used to stop bleeding? Potash alum. What which is used for water purification? Alum. Which compound is used in making fire retardant cloth? Aluminium sulfate. What is zeolite? Hydrated sodium, aluminium silicate. What do antiperspirant substances usually contain? Aluminium compound. What is the chemical formula of aluminum nitride AIN? प्लास्टर ऑफ पैरिस ये सब आप जानते हैं कैल्शियम हाँ, प्लास्टर में प्लास्टर ऑफ पैरिस यूज होता है क्वार्स कैल्शियम सिलिकेट से बना होता है मोस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइट और ये रहा सेम ब्लीचिंग पाउडर स्लेक लाइम क्लोरीन पास करने से बनता है विच गैस इज यूज क्लोरीन डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर ब्लीचिंग पाउडर विच केमिकल इज यूज फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स कैल्शियम क्वाराइड और अनस्लेक्ड लाइम क्या है कैल्शियम ऑक्साइड फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है

रेडियम पिच ब्लेंड से आता है आइसोटोप्यू थर्टी फाइव यूज होता है यूरेनियम इवेंचुअली टर्न्स इनटू अ स्टेबल आइसोटोप ऑफ विच एलिमेंट लेड लिक्विड फॉर्म ऑफ रूम टेमरेचर इज फ्रेंशियम सेमी कंडक्टर एंड ट्रांसिस्टर इज जर्मैशियम जर्मेनियम सॉल्ट्स ऑफ विच एलिमेंट्स गिव कलर्स इन फायर वर्क्रॉचियम एंड बेरियम सॉल्ट्स ऑफ विच एलिमेंट्स गिव कलर्स बेरियम टैनिंग इंडस्ट्री में क्रोमियम यूज होता है लाइटेस्ट मेटल और हैविएस्ट मेटल कौन सा है लिथियम और पोटेशियम नाइट्रेट पल्वराइज चारकोल और सल्फर के मिक्सर को आप क्या कहते हैं गन पाउडर टैल्क क्या है मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड हु इन्वेंटेड गन पाउडर रोजर बेकन सोल्डर यूज टू जॉइन इलेक्ट्रॉनिक कंसिस्ट ऑफ लेड टिन विच एलिमेंट बिहेव केमिकली इन बोथ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एक सेकेंड ये बहुत प्रॉब्लम है सॉरी मेटालिक एंड नॉन मेटालिक फॉर्म्स बोरॉन What is the nucleus of a hydrogen molecule made up of? One proton. How many neutrons are in a hydrogen atom? Nothing. Reaction of dilute sulfur and zinc? Hydrogen. Which gas is produced when an alkali metal reacts with water? Hydrogen. What will happen when hydrogen is burnt? Water will be produced. Which will absorb the larger chunks of hydrogen? Colloidal solution of palladium. By which process does cooking oil turn into vegetable ghee by hydrogenation? The gas used in making vegetable ghee is hydrogen. Which catalyst is used for hydrogenation of vegetable oils? Nickel. Which one gas is not a greenhouse gas? Hydrogen. Which is the purest form of water? Rainwater. What is the process of separating hydrogen from pani? Electroction ratio of hydrogen and oxygen in water is 1 is to 8 what type of electrical conductor is pure water bad approximately at what temperature will the density of water be maximum important question 4 degree what is the density of water 1000 kg per cubic meter boiling point of water is 212 degree fahrenheit freezing point is 32 degree fahrenheit why does the boiling point of water decrease with altitude due to low atmospheric pressure Boiling point and freezing point of water and adding salt to water will increase and decrease respectively. Permanent hardness of water is due to the presence of sulfates of magnesium and calcium. Which can be used to remove permanent hardness of water? Sodium carbonate. What is used to decolorize pulp in the paper industry? Hydrogen peroxide. Who discovered heavy water? H.C.U.R. What is heavy water? Deuterium oxide. Chemical name of heavy water is deuterium oxide. What is the chemical composition of heavy water? D2O. Which property is not present in heavy water?

नॉन मेटल्स जनरली पोर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफेट इज गुड बिकॉज इट कंटेन्स लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का मतलब सोलर एनर्जी का रिस्ट्रिक्ट होना ड्यू टू एटमोस्फेरिक गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपैक्ट डालता है कार्बन डाइऑक्साइड मिथिन लाइम वॉटर टर्न मिल्कि वन कैप्टन एड उ प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाईऑक्साइड वाई डू वी वॉट यू यूज फॉर फायर फाइटिंग कार्बन डाइऑक्साइड मेजर कॉम्पोनेट ऑफ स्वीट एंड सॉफ्ट ड्रिंक कार्बोनेटेड वाटर पल्यूटेड गैस एमिटेड फ्रॉम व्हीकल्स इज कार्बन मोनोऑक्साइड विच एयर पल्यूटन डिजॉल्स द इन हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड मोर क्विकली देन ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड कॉमन टाइप ऑफ कोल इज ब्यूटोमिनस मैक्सिमम परसेंटेज कार्बन का एंथ्रासाइट में है बाय यूजिंग एक्टिवेटेड चारकोल पिगमेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम प्योर एलिमेंट्स नर्चरिंग विच गैस कॉजेस सफुकेशन एंड डेथ वन कोल इज बर्न इन क्लोज रूम कार्बन मोनोक्साइड वॉट इज ड्राई आइस सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच पॉलिमर इज यूज इन मेकिंग बुलेट प्रूफ विंडोज पॉली कार्बोनेट वट कैन बी मेड फ्राम चारकोल एट होम वुड इन एबसेंस ऑफ एयर द सेकंड मोस्ट अबंड एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट सिलिकन आईसी चिप्स में सिलिकन यूज होता है सोलर सेल में सिलिकन यूज होता है और कौन से मिनरल में सिलिका है कॉर्ड्स में कॉड वॉचेज में सिलिकन डाईऑक्साइड यूज होता है मोस्ट कॉमनली यूज मटीरियल फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर सिलिकन है

Why is phosphorus stored in water? Because its ignition temperature is very low. What is white phosphorus? P4. Which form of phosphorus is most reactive? White phosphorus. The matchsticks have phosphorus. Which cannot be included in greenhouse gases? Phosphine. Who discovered oxygen? Carl Scheele. What is the most abundant element? Oxygen. How many valence electrons are there in an oxygen atom? 6. Oxygen and ozone are allotropes. Ozone molecule consists of dash atoms of oxygen. 3. What is the chemical formula of ozone? O3 ozone protects the biosphere from ultraviolet rays which gas is responsible for the decay of the ozone layer that surrounds the earth which protects it from harmful ultraviolet rays cfcs what is the common name of sulfur brimstone from which language did sulfur get its name sanskrit which compound causes irritation Pyaas kaatne pe, sulfur the element used to vulcanize rubber sulfur which non-metal shows allotropy in its liquid state sulfur which gas comes out of volcanic mountains sulfur dioxide which one is an air pollutant gas and is produced by combustion of fossil fuels, sulfur dioxide, uh, which is considered the basic chemical in the chemical industry H2SO4. The contact method is used in manufacture of H2SO4. Which compounds are responsible for the foul odor emanating from dead fish, <coughs> sulfur compound? Rotten eggs, hydrogen sulfide. Which of the gases present in air is responsible for discoloration of brass, hydrogen sulfide? Uh, which Causes acid rain emitted from power stations, sulfur dioxide. What is the maximum amount of acid rain? H2SO4. Uh, which is the most serious air pollutant that threatens health? Sulfur dioxide. Battery, <laughs> <laughs> <inaudible> sulfuric acid. Most reactive among halogens, fluorine. Which element never shows a positive oxidation state in any of its compounds? Fluorine. Which gas is not a part of the atmosphere? Chlorine. कौन सी गैसेज हैं यूज टू प्योरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर क्लोरीन कॉमनली यूज ब्लीचिंग एजेंट क्लोरीन अनदर नेम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड नॉन मेटल अकेला दैट टर्न्स इनटू एट रूम टेम्परेचर लिक्विड ब्रोमीन कलर ऑफ सॉलिड आयोडीन इज ब्राउनिश पर्पल टू ब्लैक विच इज सच अ सब्सटेंस विच इज फाउंड इन अबंडस इन द सी एंड इज गिवन इन अ स्पेसिफिक डेफिशिय डिजीज आयोडीन ग्वटर की प्रॉब्लम में होता है ना ये सीवीड िसी की कमी की वजह से होता है सीवीड आयोडीन का सोर्स है है कोरियन कुकिंग में बहुत यूज होता हैलिमेंट इज एज एन आयोडीन न्यूट्रिशनल एलिमेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स एंड टीथ आयोडीन आयोडाइज सॉल्ट रिजाइड इन पोटेशियम आयोडाइड इनोट गैसेज आर केमिकली इनएक्टिव एक्टिव विच गैस इज नॉट एन इनोट गैस हाइड्रोजन विच गैस इज नॉट एन इन गैस फ्री ऑन विच नोबेल गैस इज नॉट प्रेजेंट इन एयर रेड ऑन विच इज मोस्ट Abundant element in this universe? Helium. The most abundant inert gas? Argon. Which inert gas is used by deep sea divers for respiration in place of nitrogen present in air? Helium. Which gas is used to dilute oxygen for deep sea diving respiration? Helium. Helium is added to the oxygen supply of deep sea divers because it is less soluble in water, blood than nitrogen at high pressure, blood. Helium is preferred over hydrogen in air filled balloons because uh, it does not form explosive mixture with air. When a helium atom loses an electron it becomes positive helium ions. Which gas is used to inflate the tires of an aeroplane? Helium. Uh, what is filled in electric bulb? Argon, abundant rare gas argon. Argon is used in arc weld welding, uh, welding because it has less subductivity with metals. The noble gas used for treatment of cancer, radon. Germanium is the most commonly used semiconductor. Which compound is used in prickly heat powder to prevent excessive sweating? Boric acid. When a solid is directly converted into a gas on heating, what is it called? Sublimation. Who discovered cement? Joseph Aspaden. The mixture of calcium aluminate and calcium silicate is called cement. Main component of cement: limestone. Chemical composition of cement: limestone, clay, and gypsum. Which mixture is heated a lot to make cement, limestone, and clay? What, why is gypsum mixed with clinker in the manufacture of cement to reduce the rate of solidification of cement? Adding gypsum to Portland cement helps in uh, to prevent quick settling of cement. See, glass is super cool liquid. What is the main ingredient used in manufactured different type of glass? Silica. The most important component of glass is silica. What is the process of slowly cooling a hot gas? ट कलर कोबाल्ट ऑक्साइड गिव टू ग्लास डार्क ब्लू क्रोमेम ऑक्साइड इन पेंट्स ग्रीन कलर विच वन ऑफ द ग्रीन कलर्ड ग्लास कैन ब्रेक अल्ट्रावेलेटेड क्रूक्स ग्लास लेंस किससे बने फ्लिंट ग्लास से री इनफोर्ड प्लास्टिक्स में फिलामेंट ग्लास हाई स्ट्रेंथ ऑफ पायरेक्स लेड ऑक्साइड ग्लासेस में क्रक्स ग्लास यूज होता है बोरोसिलिकेट ग्लास माइक्रोवेव में क्यों यूज होते हैं एक्सट्रीमली हीट रेजिस्टेंट है The three elements which are used the most in chemical fertilizers nitrogen, potassium, phosphorus, which is not a chemical fertilizer, sodium sulphate. Which is not a nitrogen fertilizer, superphosphate. What are the components of the chemical fertilizer? Nitrolim, calcium carbide and nitrogen. Which calcium salts are used in the form of fertilizers? Calcium carbonate. Excessive use of which one of the following fertilizers can be responsible for the presence of toxic substances to in the groundwater, phosphate and potassium. What is always present in organic compounds? Carbon, marsh gas, methane. मीथेन मार्श गैस और सेप्टिक टैंक से मीथेन रिलीज होती है गार्बेज फील्ड एरिया से मीथेन रिलीज होती है ग्रीन हाउस गैस विच इज डिस्पोज बाय ह्यूमिनंट एनिमल्स मीथेन बायोगैस में क्या है मीथेन नेचुरल गैस में मीथेन मोस्ट अबंडेंट फ्लेमेबल नेचुरल गैस मीथेन वॉट हैपन्स वेन मीथेन बर्न्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिलीज्ड Most of the explosions in mines occur in mixing methane by air. CFC ka full form chlorofluorocarbon. Chlorofluorocarbons are also known by other names: Freon. HFCs, HCFCs have an extension of hydrofluorocarbons. Which greenhouse gas has the highest thermal insulation capacity? Chlorofluorocarbons. Spelling na <laughs> Which common refrigerant is used as home refrigerator? Freon. What is the chemical formula of propane? Uh, C3H8. Which uh, gas is used in hot air balloons? Propane. Which gas is used in cigarette lighter? Butane.

is equal to ch double bond ch how many acyclic e uh, chain isomers of c 6 h 4 are possible five ethanol kaise aata hai? sugar cane say. molasses is most widely used in the fermentation to prepare which of the following ethanol modified spirit is 95% ethyl alcohol alcohol is more volatile than water because its boiling point is less than water which compound is always formed during fermentation of uh, sugar ethyl alcohol leakage of lpg can be easily detected by uh, ethyl mercaptan ग्लाइकोलिस एडिड टू इवेशन गैसोलिन बिकॉज इट प्रिवेंट द फ्रीजिंग ऑफ पेट्रोल बीस रिलीज एन एसिड विच कॉजे पेन एंड बर्निंग वॉट इज इट मिथेइक एसिड एंटबाइट्स में फॉर्मिक एसिड फॉर्मिंग एसिड रेड एंड सब कर चुके हो आप ये अक्यूमेलेन ऑफ विच वन ऑफ द फोइंग रनर्स टू एक्सपीरियंस पेन इन लेग मसल्स लैक्टिक एसिड तो इसके साथ हमारा केमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है खत्म अब बचा हमारा बायो का पार्ट वो भी हम बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे ठीक है ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू कोई भी पेड कोर्स और पीडीएफ के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं थैंक यू सो मच